स्वरूप है वह कैसा स्वरूप है? परमात्मा का जो स्वरूप है वह कैसा स्वरूप है? वेद व्यास महाराज वर्णन करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे। भगवान ठाकुर जी का जो स्वरूप है सत्य रूप, चित्त रूप और आनंद स्वरूप है। और परमात्मा क्या करते हैं, ठाकुर जी क्या करते हैं, मेरे गोविंद मेरे माधव क्या करते हैं कि विश्वोत्पत्यादि हेतवे। ठाकुर जी विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। और ठाकुर जी कहते हैं कि जो जीव मेरे चरणों का आश्रय लेता है मैं उनके ताप पत्रे को समाप्त कर देता हूं। तीन प्रकार के ताप होते हैं महाराज, जो जीव उसमें तपता रहता है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ताप पत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे कृष्ण को, ऐसे परमात्मा को, ऐसे ठाकुर जी को सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते। मन को शुद्ध करने का महाराज संसार में कोई दूसरा साधन नहीं है। भगवान के कथा के अतिरिक्त, भगवान के कथा के अतिरिक्त महाराज मन को शुद्ध करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते। इसलिए वेदव्यास महाराज कलयुग को और देखा है कि जब जीव इतना तपेगा, क्योंकि अभी तो समय महाराज कम खराब है, लेकिन आगे चलते चलते आप देखेंगे इतना समय भयंकर खराब आने वाला है। ये तो कलयुग का प्रथम चरण है महाराज, कलयुग का ये प्रथम चरण है। और जब द्वितीय चरण प्रारंभ होगा फिर देखना। इसलिए वेदव्यास महाराज पहले ही भागवत के अंदर वर्णन कर दिया है कि एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते। मन को शुद्ध करना है तो भगवान से जोड़ करके मन को रखो, परमात्मा से जोड़ करके रखो, ठाकुर जी से जोड़ करके इस मन को रखो, तभी जीव का कल्याण हो पाता है। महाराज ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की है। देखो सकल लोक जग पावन गंगा, ये गंगा आपके नगर तक, आपके गांव तक चल करके आई है। सिर्फ आपको इस गंगा में महाराज गोता ही लगाना है। गंगा जी में नहाने के लिए महाराज आपको कहाँ जाना पड़ता है? हरिद्वार जाना पड़ेगा, ऋषिकेश जाना पड़ेगा, प्रयाग जाना पड़ेगा, तभी आप गंगा जी में स्नान कर पाओगे। लेकिन ये गंगा महाराज आपके गांव तक, नगर तक चल के आई है। सकल लोक जग पावन गंगा, आपको सिर्फ गोता ही गोता लगाना है महाराज। और गंगा जी में यदि आप पहुंच भी गए ना महाराज, तो प्रत्येक घाट पर बोर्ड लगा हुआ होता है कि महाराज यहाँ गहरा पानी है। हाँ, और उस बोर्ड को यदि ध्यान से नहीं पढ़ा आपने तो महाराज क्या होता है, गहराई में चले ही जाते हैं। लेकिन ये महाराज भागवत का ऐसा घाट है कि जितना आप गहराई के अंदर जाएंगे उतना ही आपको आनंद आएगा। गहरा पानी पेट, इसलिए वेदव्यास महाराज कहते हैं कि महाराज यदि जीव अपना कल्याण चाहता है तो भगवान का ही आसरा है, भगवान का ही सहारा है। ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं।
ऐसे ठाकुर जी के चरणों में महाराज बार बार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम् नमः। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। परम भगवत स्वरूप महाराज सुखदेव जी के चरणों में कोटि सा नमन करते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की। अब चलते हैं महाराज, बड़ी पवित्र भूमि है नैमिषारण्य क्षेत्र। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवध्य महामतिम् कथा वितरसा स्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत्। महाराज परम पवित्र जो भूमि है वे नैमिषारण्य क्षेत्र, जहां पर महाराज 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं। महाराज सोनकादिक ऋषि अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले हैं, गुरुदेव ये तो घोर कली काल आ गया है कि अज्ञातन द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याय कथा सारम कर्ण रसायनम। हे गुरुदेव ये तो घोर कलिकाल आ गया है, अज्ञान तन ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। गुरुदेव आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सूर्य महाराज कहते हैं, अरे सोनकादिक ऋषियों मैं आपसे बहुत छोटा हूं और आप मेरे चरणों में प्रणाम कर रहे हैं कि महाराज बड़ा किसको मानते हैं, बड़ा व्यक्ति कौन होता है? पैसे में जो बड़ा होता वह बड़ा होता है या शरीर में पहलवान हो उसे बड़ा माना जाता है? बड़ा किसको मानते हैं महाराज? जो ज्ञान में बड़ा है, जो बुद्धि में बड़ा है उसे बड़ा मानते हैं। इसलिए ज्ञान में बड़े हैं महाराज श्री सूत जी महाराज, इसलिए सोनकादिक ऋषि चरणों में प्रणाम करते हैं। आयु वृद्धा बलवृद्धा धन वृद्धा तथैव च, क्योंकि ज्ञान में बड़े हैं महाराज श्री सूत जी महाराज। हे गुरुदेव अज्ञान तन द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ, हमारे जीव के अंतःकरण में भीतर जो अंधकार बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है? अंधकार। उसको दूर करने के लिए महाराज कोई साधन हो आपके पास तो बताइए गुरुदेव आप, क्योंकि आपका जो ज्ञान है गुरुदेव कोटि सूर्य समप्रभ है, करोड़ों सूर्य के समान आपका ज्ञान है। इसलिए कृपा करके गुरुदेव आप कुछ ज्ञान की किरण हमारे हृदय पर डालिए, जो हमारे अंतःकरण में जो अंधकार बैठा हुआ गुरुदेव दूर हो सकता है, जिससे क्या होगा महाराज कि भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेक को वर्तते महान, भक्ति को बढ़ाने वाला हो, विवेक को जागृत करने वाला हो। सोनकादिक ऋषि महाराज यहाँ पर अनेक प्रश्न किए हैं अपने गुरुदेव से कि गुरुदेव ये तो घोर कली काल आ गया है, इह घोर कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधनी किं परायणः। कि गुरुदेव इस घोर कलि काल में महाराज जीव जो आसुरी वृत्ति का हो गया, असुर बन गया है। प्रेम से बोले राधे राधे, और जोर से बोले राधे राधे। इह घोर कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणः।
कि गुरुदेव जीर जीव महाराज आसुरी वृत्ति का हो गया है, राक्षस हो गया है महाराज, सिर्फ अपना पेट भरना जानता है, अपने बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है, बाकी दूसरे से कोई मतलब नहीं है। उस राक्षस को वापस गुरुदेव मनुष्य कैसे बनाया जाए? श्रेयसाम यत् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वधाधुना। जो पावन में भी पावन हो और सरल में भी जो सरल साधन हो महाराज, क्योंकि गुरुदेव अब ज्यादा समय हमारे पास में नहीं है। भक्त्योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतकम, भक्ति को बढ़ाने वाला ऐसा कोई साधन हो गुरुदेव तो आप हमें बताइए, क्योंकि जीव के ऊपर महाराज गुरु कृपा होती है ना, तो महाराज भगवान भी जल्दी मिल जाते हैं। कि चंद चिंता मणि रे लोक सुकं स्वरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। महाराज एक मणि होती है चिंतामणि, एक मणि होती है चिंतामणि, यदि किसी को चिंतामणि मिल जाती है, जो चिंता करो महाराज वह वस्तु हमें प्रदान कर देती है। सुरुद्रुह स्वर्ग संपदम, व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे महाराज बैठ करके कोई व्यक्ति कामना करे तो हर कामना उनकी पूर्ण हो जाती है। सुरुद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। महाराज यदि गुरुदेव प्रसन्न हो गए तो महाराज जो वैकुंठ है, जो गोलोक है महाराज, जो साकेत लोग हैं, यदि गुरुदेव प्रसन्न हो गए तो महाराज वैकुंठ ही प्रदान कर देते हैं। वैकुंठ का मतलब कुंठा रहित, माया से जो रहित है वह वैकुंठ है। इसलिए गुरुदेव आप कृपा करके हमें ऐसी दिव्य मधुर कथा आप सुनाइए गुरुदेव। कि एतस्माद् परम किंचित् मनः शुद्धेन न विद्यते काल व्याल मुख क्रास त्रास निर्णास हेतवे कृष्ण प्राप्ति करम सत्स्वत साधनम तद्वधाधुना। जीव प्रतिक्षण काल के मुख में जा रहा है, किन के मुख में जा रहा है महाराज, काल के मुख में जा रहा है। काल ध्याल मुख ग्रास, काल ने अपना भयंकर मुख खोल रखा है। यदि इस काल के व्याल से यदि आपको बचना है तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरण भासितम, मृत्यु से महाराज कोई नहीं बच पाते हैं, जिसे जन्म लिया है ना महाराज एक ना एक दिन उसे जाना ही अवश्य है। वेद व्यास के जो नाना जी थे महाराज दासराज जी, कौन थे दासराज जी, उनको मृत्यु से बड़ा डर लगता था, बड़ा भय लगता था उनको कि मेरी मृत्यु ना हो जाए, मेरी मृत्यु ना हो जाए। यदि कोई व्यक्ति मरा हुआ को लेके जा रहे हैं ना महाराज तो अपना दरवाजा बंद कर लेते थे दासराज जी, इतना डरते थे, उनको इतना डर लगता था महाराज। एक दिन महाराज नारद जी आए दासराज जी के पास में, नाना जी प्रणाम। अरे नारद जी आप ये बताइए कि मुझे मृत्यु से बड़ा डर लगता है, बड़ा भय लगता है, यदि कोई आपके पास में ऐसा कोई साधन हो तो आप मेरा नाम मृत्यु से काट दीजिए, मैं मरना नहीं चाहता हूं। तो नारद जी महाराज क्या कहते हैं, अरे दासराज जी आपके जो द्वैता है ना द्वैता वेद व्यास, वे साक्षात नारायण का ही स्वरूप है, वे साक्षात भगवान है, आप उनसे बात करके क्यों नहीं कर लेते महाराज ऐसा। वेद व्यास जी का महाराज आह्वान हुआ है, वेद व्यास जी महाराज प्रकट हो गए। हाँ नाना जी कैसे याद किया आपने, प्रणाम करके बोले
दास राज कहते हैं कि हे वेदव्यास, मुझे मृत्यु से बड़ा डर लगता है, बड़ा भय लगता है। यदि आपके पास में ऐसा कोई उपाय हो कि मेरा नाम भी मृत्यु के लिस्ट से कट जाए महाराज। वेद व्यास से कहते हैं कि चलते ही यमराज जी के पास में पहुंचे हैं महाराज नारद जी। वेद व्यास से दास राज जी यमलोक में यमराज जी के पास में यमराज जी ने प्रणाम किया, महाराज आज कैसे पधारे आप। वेद व्यास से कहते हैं कि महाराज ये है ना, ये हमारे नाना जी दास राज जी, और इनको मृत्यु से बड़ा डर लगता है, बड़ा भय है इनको। आप ऐसा करिए कि अपनी लिस्ट से इनका नाम काट दीजिए मृत्यु के लिस्ट से महाराज। महाराज यमराज जी कहते हैं कि अभी अभी महाराज सायन करके मैंने उस लिस्ट पर काल के पास में भेजी है। किनके पास में? काल के पास में, समय के पास में भेजी है। तो महाराज वहां चलिए। अब महाराज इधर वेद व्यास जी, दास राज जी, नारद जी, यमराज जी महाराज पहुंचे हैं काल के पास में। काल ने देख करके महाराज सबको प्रणाम किया। यमराज जी और वेद व्यास जी कहते हैं कि महाराज ये इनके नाना जी हैं वेद व्यास जी के, दास राज जी, और उनको मृत्यु से बड़ा डर लगता है, बड़ा भय लगता है। ऐसा करिए महाराज आप कि अपनी लिस्ट से इनका नाम काट दीजिए। तो महाराज काल ने क्या कहा कि महाराज अभी अभी मैंने साइन करके महाराज उस लिस्ट को आगे भेजी है अंतक के पास में, जो अंत में मारने का काम करते हैं महाराज। इधर महाराज वेद व्यास जी, नारद जी, दास राज जी, महाराज यमराज जी, काल किनके पास में पहुंचे हैं? अंतक के पास में। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तब तक महाराज नाना जी को खून की उल्टी हुई और वहीं गोविंदाय नमो नमः हो गया। इसलिए महाराज कहते हैं कि मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती है, राजा हो या चाहे रंग हो, एक दिन तो महाराज मरना अवश्य है। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। ये महाराज सुखदेव जी साक्षात अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कीरेण भासितम, बड़ा वाचन किया है कि एतस्माद परम किंचित मनः शुद्धिः न विद्यते श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। इसलिए महाराज मन को शुद्ध करने का संसार में कोई दूसरा उपाय नहीं है गोविंद के चरित्र के अतिरिक्त महाराज। इसलिए यदि मन को शुद्ध करना है, मन को निर्मल करना है, तो यह भगवान का ही सहारा है, भगवान का ही आसरा है महाराज। प्रेम से बोले राधे राधे, और जोर से बोले राधे राधे। महाराज जब परीक्षित जी को 7 दिन का श्राप लगा, कितने दिन का? 7 दिन का श्राप लगा, तो सुखदेव जी महाराज उस सभा में आए। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमा। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को 7 दिन की कथा सुनाने के लिए आए। इधर महाराज देवता लोग भी स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए। तब महाराज देवता कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ये जो भागवत जो अमृत है महाराज परीक्षित जी को आप पिला रहे हैं, यही अमृत तो हमें प्रदान कर दीजिए, और जो हम स्वर्ग से जो अमृत लेकर के आए हैं ना ये महाराज परीक्षित जी को पिला दीजिए। अब महाराज सुखदेव जी हंसने लगे। क्या कहा सुखदेव जी ने कि क्व स्वदा क्व कथा लोके
स्वकाच क्वमणिर्मह ब्रह्मदातु विचार्यैवं तदा देवां जहासः। अरे देवताओं, जब वस्तु जब बराबर की होती है तब उसमें अदला बदली होती है। वस्तु जब बराबर की होती तब उसमें अदला बदली होती है। ये आपका जो महाराज स्वर्ग अमृत है ना, वे कांच का टुकड़ा है, और हमारा जो अमृत कथा अमृत है महाराज, ये महामूल्य मणि है। महाराज सुखदेव जी ने वहां से भगा दिया, लेकिन कथा अमृत का दान नहीं दिया। जब 7 दिन के बाद में महाराज परीक्षित जी की मुक्ति हो गई, तो देवताओं को महाराज बड़ा आश्चर्य हो गया कि ऐसा कौन सा शास्त्र है, ऐसा कौन सा पुराण है, महाराज 7 दिन में ही महाराज मुक्त कर देता है। ब्रह्मा जी महाराज स्वयं अपने ब्रह्मलोक में इसकी तुलना करते हैं कि लघुनन्यानि जातानि घोरवेण इदं महा तदारिषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। ब्रह्मा जी महाराज भागवत की तुलना कर रहे हैं, प्रेम से बोले राधे राधे। आप पर कथा समझ में तो आ रही है ना? आगे तो बेटा तो माँ कह के गांव वाला तो मतलब समझ रहा बहन जी तो, लेकिन आप पाँच बेटा आप पर समझ में आ रही ना कथा? नहीं वो तो पचा आप राठौड़ी में चाल बदा वहां पर। हाँ, आप समझ में कई चीज ना आवे ना तो ठाकुर जी कृपा में पाछो आदेश कर दीजिए आप, क्योंकि कबराड़ा में का बेंजी तो पधेरे दिखा तो के कथा सुन सुन ना आना हर चीज रो ज्ञान है, लेकिन कि आप पाछा बैठा था आप समझ में ना आवले आप रान तक महाराज के कह रहे हैं के समझ में आ नरी। प्रेम से बोली राधे राधे। महाराज जब परीक्षित जी की 7 दिन के बाद में महाराज मुक्ति हो गई, ब्रह्मा जी ने महाराज उस भागवत की तुलना की है कि लघु नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदर्षि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। बड़ा आश्चर्य हुआ महाराज, ऐसा कौन सा शास्त्र है, ऐसा कौन सा पुराण है महाराज, जो 7 दिन में ही महाराज जीव को मुक्त कर देता है। ब्रह्मा जी ने उस भागवत की तुलना की है कि एक पलड़े पर भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पर महाराज अन्य धर्म ग्रंथ शास्त्र रख दिए, और महाराज जैसे ब्रह्मा जी तोलने लगे महाराज कि लघुनन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदारिषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जिस पलड़े पर महाराज भागवत जी को रखा था वे पलड़ा महाराज महाराज नीचे हो गया, और दूसरे पलड़े पर महाराज अन्य धर्म ग्रंथ शास्त्र के थे महाराज, वे पलड़ा अपने आप ऊपर उठ गया। तो महाराज स्वयं विधाता ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि मेने दे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। अरे महाराज ये जो भागवत है कोई साधारण पोथी नहीं है, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये तो महाराज साक्षात मेरे ठाकुर जी मेरे बांके बिहारी जी ही बैठे हुए हैं इस भागवत के अंदर। महाराज बोले भागवत भगवान की मैंने रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। ये महाराज कुछ साधारण ग्रंथ नहीं है, आप इस ग्रंथ को देख रहे हैं ना महाराज, ये साक्षात मेरे ठाकुर जी का वांगमय स्वरूप है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरे, ये साक्षात मेरे गोविंद का वांगमय स्वरूप है। जब भगवान यहां से जाने की तैयारी कर रहे थे तब उद्धव जी महाराज आए। उद्धव जी महाराज को महाराज
बड़ा उपदेश दिया ज्ञान का, अध्यात्म योग का उपदेश दिया उद्धव जी। उद्धव जी से कहने लगे कि उद्धव अब मेरे जाने का समय हो गया है, मैं इस धराधाम को छोड़ करके वे जा रहा हूं। उद्धव जी कहने लगे कि प्रभु अब तो घोर कलयुग आने वाला है, अब इन जीवों का कल्याण कैसे होगा। उद्धव जी बार बार मन में विचार कर रहे हैं कि महाराज सतयुग में त्रेता युग में द्वापर में तो जीव अपना कल्याण कर ही लेता था, लेकिन कलयुग में कैसे जीव अपना कल्याण करेगा, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। तब महाराज भगवान को भी बड़ी चिंता होने लगी। महाराज भगवान के शरीर से एक दिव्य तेज निकला और आकाश मंडल में गया, तीन बार घूम करके महाराज वापस नीचे आकर के भागवत जी में ही प्रविष्ट हो गया। तभी से महाराज ये भागवत भगवान हो गए। बोले भागवत भगवान की जय हो। इसलिए महाराज ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, साधारण पोथी नहीं है। भागवत किनके यहाँ बचते हैं पता है ना आपको? हाँ, महाराज जब तक ठाकुर जी कृपा ना करें और अपने पितरों का आशीर्वाद ना हो, ये भागवत भाग से बचती है। पूर्व जन्म के कोई भाग्य है इसलिए भागवत बच रही है। हाँ, क्योंकि महाराज ठाकुर जी ने कृपा की है और गोविंद का महाराज बड़ी कृपा होती तभी ये कथा हो पाती है। इसलिए महाराज ये भगवान का वांगमय स्वरूप है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरे। अब महाराज ये जो ग्रंथ है भागवत, ये ग्रंथ इससे महाराज सात दिन में ही क्यों सुना जाता है? महाराज एक महीने लेकर के आप बैठ जाइए, एक महीने तक सुनाइए आप। इसका कारण क्या है कि सात दिन में ही सुना जाता है, और किसने सुना, कहाँ सुना, क्यों सुना, आप विस्तार से बताइए गुरुदेव। कि एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषियो मला सत्संगर्तम समायाता दद्रस्तु तत्रनारदम। एक बार विशालापुर यानी बद्रीनाथ धाम में महाराज सनकादिक ऋषि विचरण कर रहे थे। सनकादिक ऋषि जी विचरण कर रहे थे। सनक, नंदन, सनातन और सनत कुमारी चार भैया हैं महाराज, ये चारों विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। तो अचानक नारद जी महाराज को देखा। नारद जी को देख करके महाराज बड़ी प्रसन्न हो गई ऋषि कि महाराज आज कुछ ना कुछ सत्संग होगा, हरि चर्चा होगी। नारद जी के निकट आए सनकादिक ऋषि और पूछने लगे। तब तक महाराज क्या दृश्य देखते हैं कि नारद जी का मुख मलिन है, लटका हुआ है, चेहरा उदास है। तो महाराज चारु सिर ने अलग अलग प्रश्न कर दिए कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी महाराज, आपका मुख क्यों लटका हुआ है, उदासी का कारण क्या है महाराज? कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरते गम्यते कुत्रा कुतश्चा गमनम तव। कहां जा रहे हैं जल्दी जल्दी आप, कहां से आए हैं आप? तो उदास ऐसे हो रहे हैं महाराज, कोई कृपण का धन चला जाता है उस प्रकार आप उदास हो रहे हैं। आपका धन क्या है महाराज? गत विद्धो यथा जन है। और महाराज संतो का धन क्या है? कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा राधा श्री राधा, तू का जीवन राधा
संतों का जीवन राधा 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 बोले राधे 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 राधे। आज राजा राधा राधे राधे और जोर से बोलिए राधे राधे। इसलिए महाराज सनकादिक ऋषि कहते हैं कि महाराज आपका ऐसा क्या चला गया, ऐसे आप उदास हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। उदासी का जो कारण है, चिंता का जो महाराज कारण है, तो कारण आप बताइए। नारद जी कहने लगे महाराज मैं सत्संग करने के लिए इस धराधाम पर आया। नारद जी क्या कहते हैं कि मैं सत्संग करने के लिए इस धराधाम पर आया, इस पृथ्वी पर आया महाराज। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिते पुष्करं च प्रियागं च काशीं गोदावरी तथा। महाराज मैं सर्वोत्तम इस लोक इस धराधाम को समझकर
आया था, मैं पुष्कर गया, मैं प्रयाग गया, मैं काशी गया, मैं गोदावरी गया महाराज। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधना, महाराज मैं सभी तीर्थों में महाराज घूम घाम करके आ गया, लेकिन मुझे कोई सत्संग आनंद नहीं मिला। नारद जी क्या कहते हैं, मैं सत्संग करने के लिए इस धराधाम पर इस पृथ्वी पर आया, लेकिन मुझे कोई सत्संग नहीं मिला। अरे महाराज आप यहाँ आए थे इस धराधाम पर पृथ्वी पर, तो महाराज संतों के यहाँ आप जाते तो महाराज सत्संग मिलता, आपको सत्संग प्राप्त होता। महाराज मैं संत के यहाँ पर भी गया महाराज, तो संत के यहाँ मैंने क्या देखा है, पाखंड निरतः संतो विरक्ता स परिग्रह। महाराज जो साधु संत कहे जाते हैं वे पाखंड प्रवृत्ति के हो गए हैं। पाखंड का मतलब पापस्य खंडः स पाखंडः, पाप का एक अंग बना हुआ है महाराज। महाराज महात्मा जी कौन बड़े हैं, जिनके पास में बड़ी गाड़ी है, बड़ा साधन है, बड़ा आश्रम है, तो महाराज उनको बड़ा महात्मा जी कहते हैं, बड़े महात्मा जी आ गए हैं। और जिनका भजन बड़ा है, जिनकी साधना बड़ी है, उनको बड़ा नहीं मानते हैं कि ये महाराज जी तो अभी छोटे ही हैं। महाराज वही महाराज जब फोर चूनर गाड़ी लेकर के आते हैं, चार पांच चेले आते हैं, चवर ढुलाते आते हैं, तब लगता है कि महाराज बड़े महात्मा जी पधारे हैं, बड़े संत आए हैं। कि महाराज संत के यहाँ पे भी मैं गया, लेकिन मुझे सत्संग भजन कहीं नहीं मिला। तब सनकादिक ऋषि कहते हैं, महाराज आप गृहस्थों के यहाँ जाते तो आपको सत्संग मिलता, भजन मिलता। अब महाराज नारद जी कहते हैं, मैं गृहस्थों के भी यहाँ जाकर के आया महाराज, लेकिन वहां पे भी मुझे क्या दृश्य मिला है, कि तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रणो लोभ दंपति नांच कल्कना। कि महाराज माता पिता की सेवा कब तक करते हैं बच्चे, प्रेम से बोली राधे राधे। माता पिता की सेवा बच्चे कब तक करते हैं, जब तक नई बहू के हाथ में तिजोरी की चाबी नहीं चली जाती है तब तक महाराज। और जब सर्वस्व उनके हाथ में चला गया तो महाराज चाहे माता पिता हो चाहे सास ससुर हो, खटिया या तो महाराज खेत पर या कोई तीर्थों में। कि तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रणयो लोभा दंपति नांच कल्कना। माता पिता की सेवा नहीं करते हैं महाराज। और तरुणी प्रभुताल के ही श्याल को बुद्धिदायक है, घर में यदि कोई काम काज कर रहे हैं तो महाराज सलाह किनसे लेने के लिए जाते हैं, साला साहब से, कि यह घर में आयोजन है तो कैसे किया जाए। और जो महाराज सलाह साले साहब से लेंगे तो महाराज क्या होगा, कौरवों ने महाराज ली थी अपने मामा सुकुनी से सलाह, तो क्या हुआ था, कि तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रणो लोभा। फिर क्या करते हैं महाराज, बेटा और बेटी का करे और विक्रय करने लगे हैं महाराज। जहां सौदा पट जाता है वहीं संबंध बना लेते हैं। हाँ, जहां अच्छा पैसा मिल रहा है तो महाराज वहीं अपने बेटा बेटी का संबंध कर देते हैं। नारद जी कहते हैं कि सनकादिक ऋषियों ये दृश्य मैंने देखा है। और दंपति नांच कल्कना, महाराज पति और पत्नी में महाराज रोज महाभारत का संग्राम हो रहा है, रोज झगड़ा हो रहा है। और दोनों जने जब तक नहीं झगड़े तब तक महाराज रोटी ना पचे। मुंडा का हाथ आड़ों पे लगा हुआ, हाँ
कि दोनों जने जब तक झगड़ा ना करे तब तक हमारा रोटी नहीं बचती है। ऐसा दृश्य महाराज ने गृहस्थों के यहां देखा है। नारद जी बड़ी विचलित हो गए, बड़े उदास हो गए, बड़ी चिंता होने लगी। महाराज मैं सत्संग करने के लिए आया था, भजन करने के लिए आया था, लेकिन महाराज मुझे के सत्संग भजन नहीं मिला। तीर्थों में जाकर के आ गया, संतों के पास में जाकर के आ गया, गृहस्थों के यहाँ जाकर के आ गया, लेकिन मुझे के सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई। तो महाराज यहाँ सत्संग नहीं मिलेगा तो चलते हैं सीधे श्री धाम वृंदावन में महाराज, जहाँ नंद नंदन यशोदा नंदन महाराज ने ठाकुर जी ने दिव्य सुंदर लीला की है, वहीं जाकर के महाराज मन में शांति मिलेगी। तो महाराज नारद जी पहुंच गए हैं श्री धाम वृंदावन में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सीधे पहुंचे हैं महाराज यमुना जी के तट पर। यमुनम तटमा पन्नो यत्र लीला हरे रभो, जहां पर महाराज ठाकुर जी ने सुंदर सुंदर लीला की है यमुना जी के तट पर, वहां पहुंच गए हैं नारद जी महाराज। तब महाराज नारद जी ने भी वहां एक बहुत बड़ा दृश्य देखा है। नारद जी जैसे यमुना जी के तट पर पहुंचे महाराज, तो अनेक देवियां बैठी हुई थी और महाराज दो पुरुष अचेत अवस्था में वहां पड़े हुए थे। नारद जी मन में विचार करने लगे कि चलो इनके पास में चलते हैं, क्या हुआ। फिर मन में विचार आया कि यदि मैं इनके पास में यदि ज्यादा निकट चला गया तो महाराज माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, कहेंगे कि बाबा जी आपको यहाँ क्या काम, आप क्यों आ गए यहाँ। इसलिए अपने राम जी तो अभी सीधे निकल जाते हैं। नारद जी महाराज जैसे सीधे निकलने लगे तब तक उस देवी ने नारद जी महाराज को देख लिया। वे देवी महाराज पीछे से आवाज देने लगी कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वतोघरम परा। अरे महाराज आप रुकिए, महाराज आप रुकिए, भो साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशय, महाराज आप जब रुक जाएंगे तो मेरी जो मन की चिंता है उसका नाश हो जाएगा। इसलिए महाराज कभी भी संतों के यहाँ जाते हैं ना, तब कौन सा प्रश्न करना चाहिए कि महाराज भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये नहीं पूछना चाहिए कि महाराज मेरे बहू के बेटा होगा कि नहीं होगा, फैक्ट्री अच्छी चलेगी कि नहीं चलेगी। हाँ हमारे दोनों में झगड़ा बहुत होता है कि महाराज झगड़ा कब सुलझेगा। संतों के पास जाना है तो महाराज एक ही बात पूछनी है कि महाराज इस मनुष्य शरीर से गोविंद के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। महाराज अन्न का एक क्षण, महाराज अन्न का एक कण और संतों का एक क्षण कभी जीवन में बर्बाद मत करो, यही प्रयास करो महाराज। इसलिए देवी क्या कहती है कि मन चिंता अपि नाशय, महाराज मेरी जो मन की चिंता है ना वे दूर होगी, इसलिए आप एक क्षण रुक जाइए। नारद जी उनके निकट में गए और पूछने लगे देवी जी आपका परिचय क्या है, आपका नाम क्या है। तब वे देवी अपना परिचय बताने लगी है। अहम भक्ति रीति ख्याता इमोमे तनयौ मतो ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगी नजर झरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम भक्ति है। आप यदि ध्यान लगा करके नहीं सुनेंगे तो आपको कथा समझ में नहीं आएगी। प्रेम से बोले राधे राधे। नारद जी किन से पूछ रहे हैं अपना परिचय, भक्ति महारानी से। कथा पांडाल में मेरे को लग रहा है दो ही बैठे हुए हैं।
इसलिए आप ध्यान लगा करके कथा नहीं सुनेंगे तो महाराज कथा कुछ समझ में नहीं आएगी। नारद जी पूछते हैं भक्ति से, अपना नाम अपना परिचय पूछते हैं। तब उसने कहा कि महाराज मेरा नाम है भक्ति और मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगिन झर झरो। महाराज देखिए प्रभाव, कलयुग के प्रभाव से ये दोनों पुत्र महाराज झरझर दोनों बूढ़े हो गए। अभी मां तो जवान और बच्चे दोनों बूढ़े। भक्ति अपना पूरा विस्तार से बता रहे, वर्णन करते हैं कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जिनतां गता। महाराज मैं उत्पन्न द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ, वृद्धिम कर्नाटके गता, मेरा विस्तार महाराज कर्नाटक देशों में महाराज विस्तार हुआ है, जिससे मैं गुजरात प्रांतों में आई तो महाराज मैं बुढ़ी हो गई हूँ। और यदि महाराज ऐसा ही बना रहा तो मैं इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस स्थान को छोड़कर के मैं विदेश चली जाऊंगी। वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनी वस्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक् श्रेष्ठ रूपा तु साम्रता। नारद जी कहते हैं कि देवी आप सतयुग में त्रेता युग में द्वापर में महाराज बड़ी धूमधाम से रही है, ये घोर कलयुग है, दारुण नाम का कलयुग है महाराज। सुनु स्वावहिता बाले युगो यम दारुणा कली तेन लुप्त सदाचारो योग मार्ग तपांसिचा। इसलिए देवी आप वृंदावन धाम में आई है ना, वृंदावन से संयोगात पुनस्तुम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नित्यत यत्र च। वृंदावन में धाम में जैसे भक्ति ने प्रवेश किया, भक्ति तुम्हारा तरुण हो गई, नवीन हो गई, जवान हो गई, लेकिन जो दोनों पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य दोनों बुढ़े हो गए। नारद जी कहते हैं कि देवी ये घोर कलयुग है, घोर कलयुग के प्रभाव से महाराज ऐसा यह हो रहा है, क्योंकि जो फल तपस्या से योग से समाधि से नहीं मिलता है वही फल महाराज केवल कलयुग में भगवान के दिव्य गोविंद के नाम से मिल जाता है। कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत् फलम लभ्यते सम्यक् लोके सव कीर्तना। जो फल महाराज तपस्या से योग से साधना से नहीं मिलता है वे फल केवल कलयुग में महाराज भगवान के दिव्य गोविंद के नाम से मिल जाता है। किसी मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 नारायण।
यमुना के तीर पे मथुरा नगरी, यमुना के तीर पे मथुरा नगरी, यमुना के तीर पे मथुरा नगरी, यमुना के तीर पे मथुरा नगरी। कृष्ण चंद्र अवतार यन, कृष्ण चंद्र बोली राधे राधे राधे। नारद जी क्या कहते हैं कि जो फल तपस्या से, योग से, साधना से नहीं मिलता है, वह फल केवल गोविंद के नाम से मिल जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि कल युग केवल नामे आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नामे आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, कलयुग केवल नामे आधारा, कलयुग के श्री राम जी, उनकी रक्षा करे हनुमान जी, इनके मन में बसे श्री राम जी, जय जय राम। कलयुग में महाराज केवल एक ही साधन है इस बहु सागर से पार उतरने का। महाराज क्या साधन है? कौन सा साधन है इस बहु सागर से पार उतरने का? हरि नाम है, गोविंद का नाम है, और मारा दूसरा कोई उपाय, कोई चारा नहीं है। आप देख रहे हैं ना महाराज, पहले कौन सी बीमारी आई थी? हाँ, कोरोना आई थी, और अब ये गोमाता के अंदर आ गई है, लंपिंग की जो बीमारी है ना महाराज। इसलिए अब धीरे धीरे महाराज ये विनाश का समय आ गया है। जिस प्रकार गोमाता की दुर्दशा हो रही है ना, उस प्रकार महाराज मनुष्य की दुर्दशा होने वाली है।
जब गाय नहीं बचेगी तब महाराज गोविंद नहीं रहने वाले हैं, इसलिए आप यहाँ बैठे हुए हैं। सभी भक्तों से मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है गो माता के, महाराज गो माता के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करना कि हे गोविंद हे गोपाल, मेरी इस गाय ने आपका क्या बिगाड़ा है, इनकी रक्षा करो मेरे माधव, मेरे गोविंद इनकी रक्षा करो। आप ज्यादा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं महाराज, जहाँ कहीं आपको गाय दिखे ऐसे बीमारी से महाराज, जो आप जितना उपचार जानते हैं उतना आप करो। ये महाराज विनाश का समय है, भगवान बार बार जीव को संकेत देते हैं। जब कोरोना जो आया था, मतलब ये बीमारी कोरोना जब प्रवेश किया था, तब ठाकुर जी ने प्रेरणा दे दी थी कि संभल जाओ, यही आपके पास में अवसर है। लोग कितने सचेत हो गए थे, कितने संभल गए थे, सब जागृत हो गए थे, महाराज अब कोई किसी का नहीं है, भगवान ही अपने हैं, ठाकुर जी हैं। कितने लोग मरे थे, कितने लोग मरे थे, भगवान ठाकुर जी ने सबकी सुनी और सबकी रक्षा की है। उसी प्रकार महाराज जब गाय न बचेगी तब मेरे महाराज गोविंद कहां से आएंगे, मेरे ठाकुर जी कहां से आएंगे। ऐसी गो माता को जब तड़पती है मरती है देख करके महाराज मन नहीं करता है कि क्या किया जाए, क्या बोला जाए। हर लोग महाराज गोचर भूमि को ही जकड़ करके पकड़ करके बैठे हुए हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, और कोई बोले तो महाराज बुरा लग जाता है उनको कि महाराज आप क्यों बोलते हैं, आपको क्या चाहिए। महाराज हम जब इस धर्म के लिए उतरे भी गए हैं ना, तो फिर हम डरते नहीं है किसी से। हाँ, क्योंकि महाराज जब इस धर्म पे हमारे गुरुजी ने उतार ही दिया है ना, तो फिर महाराज रह करके क्या करना हमें। जब किसी का परोपकार नहीं कर सकते, किसी का भला नहीं कर सकते हैं, किसी का अच्छा नहीं कर सकते, तो महाराज फिर रहना के मतलब ही क्या रहा हमारा। इसलिए महाराज आप, क्योंकि महाराज कहा है शास्त्रों में कि धर्मम रक्षति रक्षत है, जब आप धर्म की रक्षा करोगे तभी आप धर्म आपकी रक्षा करेगा, बाकी धर्म रक्षा करने वाला नहीं है। बड़े बड़े नोट कमा लो कोई मतलब के नहीं है महाराज, ये नोट आपके साथ में नहीं जाने वाले हैं, पैसा आपके साथ में नहीं जाने वाले हैं। आप महाराज 10,000 का 20,000 का फोन रखते हो, ठीक है ना, ठीक है ना, रखते हो ना, लेकिन ये आपका कोई काम का नहीं है। आपको बुरे लगेगा, मतलब महाराज आप ये क्या बोल रहे हैं। जो आपके काम आने वाला है उस चीज को महाराज आप यूज ही नहीं करते हैं। जिसकी सेवा करनी चाहिए जिसकी सेवा नहीं करते हैं, जहां जाना चाहिए वहां जाते नहीं है महाराज। महाराज 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे महाराज फोन करके लेकर के बैठ जाएंगे। ये घर घर में हो गया या चक्कर, ये घर घर का चक्कर है। महाराज फोन से बात करने से महाराज संसारिक लोग प्रसन्न हो सकते हैं, यदि गोविंद को माधव को प्रसन्न करना है तो महाराज मौन की आवश्यकता है, और मौन महाराज वह ठाकुर जी के पास में ले जाता है। इसलिए आप सब जागृत हो जाओ एक बार। हाँ, ऐसा समय आपने देख लिया है, ऐसी बीमारी आपने देख ली है, इसलिए आप ठाकुर जी से परमात्मा से गोविंद से जुड़ जाओ, तभी आपका कल्याण होगा। महाराज एक गौ माता का कुछ सुनाना चाहते हैं, इसलिए महाराज गौ माता की दुर्दशा देखी नहीं जाती है, आप सभी से देखी जाती है क्या, मेरे को ऐसा लग रहा कि महाराज। हाँ, उसका ही खून बहाया, धिक्कार है जिसने गौ माता का, माश नोच कर खाया, माश नोच कर खाया, जो सबको जीवन देती है उसका ही वध कर डाला। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा।
अब गली गली में घूम रहे गो माता के हत्यारे गोमा 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 गली गली में घूम रहे गो माता के हत्यारे काना कान लगा के सुन लो भैया तुम्हें पुकारे भैया तुम्हें पुकारे है तेरे बिना अब कौन मनोहर जाके को हत्यारों का दमन करो या दे दो देश निकाला जय गोविंद गोपाला जय गोविंद गोपाला वरना ना रहेगा प्रभु जी तुमको कोई बजने वाला जय गोविंद गोपाला जय गोविंद गोपाला जय गोविंद गोपाला जय गोविंद गोपाला इस पापी युग में गौ माता का कौन बने रखवाला जय गोविंद गोपाला जय गोविंद गोपाला
बोले राधे राधे मेरे तना। इसलिए महाराज आप भगवान का नाम का आश्रय लोगों तो आपका कल्याण हो जाएगा। भक्ति महारानी कहने लगी कि जयति जगति माया यस्य काया दवस्ते वचन रचन मेकं केवलं च कलय ध्रुव पदम पिया तो यत्कृपा तो ध्रुवो या सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्र नतास्मि। हे नारद जी महाराज आपकी जय हो जय हो जय हो। आपके एक वचन पर विश्वास करने वाले महाराज कहियादु नंदन प्रहलाद क्या से क्या हो गए हैं। और महाराज ध्रुव जी महाराज मात्र 5 वर्ष के हैं। ध्रुव पद मत पिया तो यत कृपा तो ध्रुवो यम, ये सब कृपा आपकी है नारद जी महाराज। इसलिए आप कुछ दृष्टि हमारे बच्चों पर भी डाली आप। नारद जी क्या कहने लगे कि वृता खेद यसे बाले अहो चिंता दुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम घमिष्यते। हरे माँ आप तो व्यर्थ में चिंता कर रही हैं। नारद जी क्या कहते हैं भक्ति महारानी से कि माँ आप तो व्यर्थ में चिंता कर रही हैं। वृता खेद यसे बालो अहो चिंता तुरा कथम। तो महाराज क्या करना चाहिए कि श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम घमिष्यते। जब व्यक्ति के पास में कभी भी दुख आए तो क्या करना चाहिए, भगवान को ठाकुर जी को ही पुकारना चाहिए। उसे क्या होगा कि स्मर दुखम गमिष्यति, दुख अपने आप ही चला जाएगा, दुख अपने आप ही मिट जाएगा। हरि स्मृति ही सर्वे पद्मोक्षणम। नारद जी समझाते हैं। नारद जी क्या कहते हैं द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात् पालित गोप सुन्दर्य स कृष्णः क्वापि नो गत। भक्ति महारानी जिन कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की है, गोपियों की रक्षा की है, वे कृष्ण अभी कहीं गए नहीं है। वे कृष्ण स कृष्णः क्वापि नो गत है, वे कहीं नहीं गए हैं। आप उनको पुकारो तुम्हारा दुख अपने आप चला जाएगा। अन्य धर्मास तिरस्कृत्य पुरुकृष्य महो सवा तदा नाहम हरे दासो लोके नाम प्रवर्तये। महाराज नारद जी कहने लगे कि भक्ति महारानी आपकी प्रतिष्ठा में घर घर में करूंगा और व्यक्ति के हृदय हृदय में करूंगा। जब तक मैं प्रतिष्ठा नहीं कर देता हूं तब तक मैं हरि का दास ना कहलाऊंगा। महाराज मैं ठाकुर जी का दास नहीं कहलाऊंगा। अब नारद जी महाराज प्रयत्न करने लगे ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहो। बार बार वेद वेदांत का पाठ करने लगे। कौन करने लगे, कौन करने लगे, कोई अपना गांव वाला कर देगा है ना। मार साहब को नाम मैडम को नाम ला मैडम तो आगे बैठा था। प्रेम से बोले राधे राधे। वेद का पाठ कौन कर रहे हैं,
मतलब ध्यान या नहीं है। वेद का पाठ कर रहे हैं नारद जी महाराज, किनको जगाने के लिए? ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए महाराज। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर मुर्मुहो। बार बार वेद वेदांत का पाठ किया जगाने के लिए, लेकिन फिर भी महाराज ज्ञान वैराग्य नहीं जगे। बार बार जब गीता का पाठ किया, गीता पाठैर मुर्मुहो, बार 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 गीता का पाठ किया तो महाराज ज्ञान वैराग्य उठे हैं, उबा से लेकर के महाराज फिर सो गए। अब महाराज नारद जी को बड़ी चिंता होने लगी, अब क्या किया जाए महाराज, क्योंकि जो मैं साधन जानता था मैंने सब साधन कर लिया। कोई MBBS डॉक्टर हो महाराज, जो जितना ट्रीटमेंट जानेगा उतना ही तो इलाज करेगा। हर बड़ा कोई इलाज करना है तो महाराज कहीं उदयपुर या अहमदाबाद जाना पड़ेगा। अब तो नारद जी महाराज को बड़ी चिंता होने लगी है, अब क्या किया जाए महाराज। मैं जितनी चूर्ण चटनी, जितना मैंने मेरे पास में ज्ञान था, सब उसका उपयोग मैंने कर दिया, लेकिन ज्ञान मेरा तो जागृत नहीं हो रहा है। जब नारद जी महाराज बड़े चिंतित हुए, उदास हुए, तब तक आकाशवाणी हो गई कि यो मवाणी तदेवा भुन मार से कित्यता मिति उद्यम सफलस्ते यम भविष्यते न संशय। अरे नारद जी महाराज आपको उद्यम करिए, और आपको ये सत्कर्म हमारा उद्यम कुछ संत महात्मा समझाएंगे। अब नारद जी महाराज मन में विचार करने लगे, महाराज ये आकाशवाणी ने महाराज ये जो बात कही है गोलमाल कहते। कैसे कही गोलमाल? कि महाराज आपको सत्कर्म करना पड़ेगा, और संत सत्कर्म की परिभाषा महाराज कुछ संत समझाएंगे आपको। जब कोई संत का नाम बता देते तो मैं उनके पास में चला जाता, या कोई सत्कर्म का नाम बता दे तो मैं वह कर लेता। नहीं तो महाराज कोई सत्कर्म का नाम है, नहीं कोई महात्मा का नाम है, अब क्या किया जाए महाराज। अब महाराज नारद जी ढूंढने लगे हैं संतों को, जहाँ कहीं जाते हैं तो महाराज संतों से यही पूछते हैं कि महाराज सत्कर्म की परिभाषा क्या है, सत्कर्म किसे कहते हैं। अब महाराज जैसे नारद जी के दर्शन होते हैं छोटे मोटे महात्माओं को, तो महाराज मौन हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है। इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े संत, इतने बड़े त्यागी पूछ रहे हैं महाराज सत्कर्म की परिभाषा क्या है, सत्कर्म किसे कहते हैं। बड़े बड़े संत महाराज कहते हैं कि महाराज अभी तो नवरात्रि का व्रत चल रहा है, मौन व्रत, जब मौन व्रत खुलेगा तब बात करेंगे। प्रेम से बोले राधे राधे। और कोई तो संत महात्मा टेढ़े मेढ़े होकर के निकल जाते हैं, लेकिन कोई बता नहीं पाते कि सत्कर्म कैसे कहते हैं। अब महाराज नारद जी को बड़ी चिंता होने लगी, तो नारद जी सीधे गए हैं वृंदावन छोड़कर के बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में महाराज चार ऋषि मिल गए हैं, सनक, चंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों ऋषि के चरणों में महाराज प्रणाम करके बोलने लगे कि महाराज सत्कर्म किसे कहते हैं, सत्कर्म की परिभाषा क्या है। महाराज ये 5 साल के बालक हैं। कितने साल के हैं? 5 साल के हैं, 5 से 6 वर्ष के नहीं होते हैं। जरा युष्मान न बाधते, इनको कभी बुढ़ापा नहीं आता है। महाराज इनके निरंतर एक ही जप चलता है, हरि शरणम 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 प्रभु शरणम प्रभु शरणम हरि शरणम हरि शरणम
प्रभु शरण प्रभु शरण हरि शरण हरि शरण सा मंत्र बोले थे सभी बोले एक बार हाँ बोलिए हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम इधर से आवाज कम आ रही है कि आज रोटी ना खाती खा दे आपको हाँ आज व्रत होगा ना जोर से बोलो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण ये महाराज सनकादिक ऋषि इसी मंत्र का जप करते थे तो क्या नहीं होता इस मंत्र से कि जरा आयुष्मान न बाधते जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है बुढ़ापा भी आएगा तो महाराज घुटने दर्द नहीं करेंगे आपके हाँ ज्यादा घुटने दर्द करते हैं ना तो इस मंत्र का जप किया करो आप कौन सा मंत्र हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम महाराज सनकादिक ऋषि मिले नारी जी कहने लगे कि महाराज आप हमें सप्तकर्म की परिभाषा समझाइए तब तक महाराज सनकादिक ऋषि क्या कहते हैं कि माँ चिंता कुरुदेवर से हर से चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि अरे नारद जी महाराज एक छोटी सी बात को लेकर आप इतने बड़े चिंतित हो रहे हैं बड़े उदास हो रहे हैं महाराज महाराज कोई भयंकर टेंशन में आदमी हो बड़ी चिंता में आदमी बैठा हुआ हो और अपन जाकर पूछ कहते हैं महाराज एक छोटी सी बात पर आप इतने टेंशन में इतनी बड़ी चिंता में हैं व्यक्ति क्या कहेगा व्यक्ति क्या बोलेगा कि महाराज मेरे पास में इतना भयंकर दुख आया हुआ इतनी बड़ी टेंशन आई हुई है और आपको छोटी सी बात लग रही है तब सनकादिक ऋषि क्या कहते हैं नारद जी से एक छोटी सी बात को लेकर नारद जी आप इतने चिंतित इतने उदास हो रहे हैं जो साधन आप ढूंढ रहे हैं ना यही है कि सत्कर्मा सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादि भी जिस सत्कर्म को आप ढूंढ रहे हैं महाराज वह सत्कर्म महाराज वे श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है बोली भागवत भगवान की जय हो अब महाराज नारद जी महाराज के समझ में नहीं आए
क्यों समझ में नहीं आई महाराज? इसलिए समझ में नहीं आई बात कि महाराज जब मैंने वेद वेदांत का पाठ किया तो ज्ञान वैराग्य की जागृत नहीं हुए हैं। वेदों का सार ही तो श्रीमद् भागवत है, तो इस भागवत से महाराज कैसे ये ज्ञान वैराग्य जग जाएंगे? प्रेम से बोले राधे 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 की बात महाराज समझ में नहीं आई। वेदों का सार ही है, गीता का सार ही तो श्रीमद् भागवत है। सनकादिक ऋषि महाराज उदाहरण देकर के समझाने लगे कि महाराज आम का जो फल होता कितना मीठा होता है, आम का जो फल होता कितना मीठा होता है। अच्छा चूंकि महाराज मुंह में पानी आ जाता आता है। प्रेम से बोले राधे 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 राधे। अरे यदि आम को छोड़ करके महाराज कहें कि महाराज जब आम में इतना स्वाद है तो आम का जो पौधा है उनकी जो टहनियां हैं महाराज उनमें कितना स्वाद होगा? क्या महाराज उस वह स्वाद उस टहनियों के अंदर महाराज उस पत्ते के अंदर वह स्वाद मिल पाएगा आपको? दूसरा उदाहरण देते हैं महाराज सनकादिक ऋषि कि महाराज मिठाई बनाते बनाते शक्कर खत्म हो गई, चीनी खत्म हो गई कि महाराज बाकी की मिठाई ले आप गन्ने के रस में बना लो, क्या बना पाओगे? आपका होड़ा में बढ़ जाएगा गन हा? ना बना मक ब्रेड मत बना ना बना। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तीसरा उदाहरण दिया है महाराज कि महाराज पूड़ी सेकते सेकते महाराज घी खत्म हो गया, पूड़ी सेक रहे थे घी में आप और सेकते सेकते महाराज घी खत्म हो गया कि बाकी की पूड़ी महाराज दूध में सेक लो, सेक पाएगी नहीं? तब महाराज सनकादिक ऋषि ऐसे ही कहते हैं महाराज कोई भी महाराज कितना भी वेद वेदांत पढ़ ले कितना भी शास्त्र पढ़ ले महाराज जब तक आप जैसे महापुरुषों का संग आशीर्वाद नहीं होता है तो महाराज में ज्ञान फलीभूत नहीं होता है। कि भाग्योदहे न बहुजान मा समर जिते ना सत्संगमं जलवते पुरुषो यदा वै अज्ञात हेतु कृतमोहमदांधकार ना संविदाय तदोदयते विवेक। कि व्यक्ति का भाग्योदय कब होता है? भाग्योदय बहु जन्म समर्जित है ना, एक जन्म से नहीं जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतरों के और युग युगांतर के जब पुण्य पुंज इकट्ठे होते हैं तब ये भाग्य उदय हो पाता है। और भाग्य उदय होता है तब क्या मिलता है? सत्संग मम चलबते, ये सत्संग ये कथा ठाकुर जी की मिलती है। आप देख रहे हो महाराज ये कथा फ्री में मिल रही है, आप सोच रहे होंगे कथा फ्री में मिल रही है। स्वर्गे सत्येच केला से वैकुंठम नास्ति रसया है, ये रस वैकुंठ में नहीं है, वैकुंठ में भगवान की कथा नहीं होती है। जल जुलनी 11 ऊपर नहीं मनाते हैं, हाँ कोई उत्सव ऊपर नहीं मनाते हैं और डीजे पर कोई नाचते नहीं ऊपर है। हाँ स्वर्गे सत्येच केला से वैकुंठम नास्ति रसया है, ये रस इस धराधाम पर ही है महाराज। सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै, और सत्संग मिल जाता तो उसे क्या होता है? अज्ञात हेतु कृतमोह मदांधकार ना संविदा यही तदोदयते विवेक। विवेक की जागृति हो जाती है महाराज। विवेक जागृत कैसे होता है? बिनु सत्संग सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ
राम कृपा बिनु सुलभन सोहि बिन सतसंग विवेक न होइ बिनु सतसंग विवेक न होइ राम कृपा बिनु सुलभन सोहि बोली राधे राधे। जब तक परमात्मा कृपा नहीं करते हैं तब तक हमारा सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है, सत्संग नहीं मिलता है। अब महाराज नारद जी कहने लगे सनकादि गुरु से कि प्रभु अब आपके मुखार विंद से ही हम कथा सुनना चाहते हैं, भागवत कथा। अब महाराज कथा कहां कीजिए, ये वार्तालाप कहां पर हो रही है? बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ धाम में ये वार्ता हो रही है। तब महाराज सनकादिक ऋषि कहते हैं नारद जी से कि सबसे अच्छा स्थान है गंगा का तट हरिद्वार, वहां पर ये कथा होनी चाहिए। क्योंकि महाराज जो संसार के जो लोग हैं ना वे भी इस कथा का लाभ ले सकते हैं कि गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। और जो बड़े बड़े ऋषि हैं, मनीषी हैं, योगी हैं, वे भी महाराज बद्रीनाथ धाम से नीचे उतर करके आकर के कथा सुन सकते हैं। और घर गृहस्थी वाले भी महाराज आकर के भगवान की दिव्य मंगल में कथा सुन सकते हैं। अब महाराज कथा का चयन हुआ है कि हरिद्वार में महाराज कथा होगी। नारद जी महाराज सब व्यवस्था करने लगे, क्योंकि महाराज व्यवस्था तो पहले करनी पड़ती है। जैसे राम सिंह जी ने आपने सब व्यवस्था पूरी की है, व्यवस्था सब करनी पड़ती है। अब महाराज नारद जी भी व्यवस्था करने लगे, सुंदर व्यास पीठ बनाई है। और महाराज जब ऋषियों को पता चला है, संत महात्माओं को पता चला है कि महाराज हरिद्वार में गंगा के तट पर भागवत कथा हो रही है, तो महाराज जहां किसी ने सुना है तो दौड़े चले आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। कृभ्र गुरु वशिष्ठ चवनस्य घूतमो मेधा तितल देवल देवरातो रामस गादि चसुस साकलो मृकंड पुत्र त्रिज विप्पलाद। भृगु जी महाराज आ रहे, वशिष्ठ जी महाराज आ रहे, विश्वामित्र जी आ रहे हैं, पराशर जी आ रहे हैं, बड़े बड़े संत महात्मा सब ऋषि कथा सुनने के लिए आ रहे हैं कि चलो कथा हो रही है सोडास गांव में, चलो कथा हो रही है हरिद्वार में कथा हो रही है, चलो सब चलो। महाराज अकेले नहीं आ रहे हैं, जो महाराज बड़े बड़े संत महात्मा हैं तो अपने सभी शिष्यों को साथ में लेके आ रहे हैं। बड़े बड़े संत महात्मा हैं जो अपने सब शिष्यों को लेकर के आ रहे हैं कथा में। और जो घर गृहस्थी है महाराज अपने पुत्रों को, अपनी पत्नियों को, सबको लेके आ रहे हैं। आपके जैसे अकेले नहीं आए। अरे प्रेम से बोले राधे राधे। यहाँ पर संख्या माताओं की ज्यादा है, पुरुषों की कम है, है ना? लेकिन यहाँ पर जो कथा सुनने के लिए आ रहे हैं ना, अकेले नहीं, पूरे परिवार सहित कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। अब महाराज सनकादिक ऋषि कथा की महिमा बताने लगे हैं और महाराज जय जयकार होने लगा है। जो गंगा का जो तट है महाराज जय जयकार से महाराज गुंजयमान हो गया है कि जय शब्दो नमः शब्द संक शब्द कि जय हो जय हो जय हो भागवत भगवान की जय हो। सनकादिक ऋषि कहते हैं महाराज कि सदा सेव्या श्रीमद भगवती कथा यस्य स्मरण मात्रेण हरिश्चित्तं समाद्रये। कि महाराज सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या, महाराज रोज भगवान की कथा सुनो।
यदि आपको कोई कथा सुनने वाला मिले तो रोज कथा सुनो, सदा सेव्या सदा सेव्या। मिले कौन है? भगवान ठाकुर जी कृपा से मिल गए। हाँ, अब 7 दिन का पूरा आनंद ले। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद भागवती कथा के महाराज, पहले तो कब्रेडिया सुन करके आए कथा, अब यहाँ सुन रहे हैं, फिर आपके साथ में वृंदावन चलेंगे, वहां सुनेंगे। कब तक सुनेंगे कि महाराज जीवन पर्यंत तक कथा सुनो, जब तक ये जीवन है ना तब तक भगवान की गोविंद की कथा सुनो। उससे क्या होगा कथा सुनने से महाराज, कि हरिश्चित्तम समाश्रये, जो हरि है वह ठाकुर है आपके हृदय में चिपक जाएगा, आपके पास में निकट आ जाएगा महाराज। यस्य स्मरण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये, जब वे ठाकुर अपने हृदय में बैठ जाएगा ना महाराज, फिर वे आपको छोड़कर के जाने वाला नहीं है। एक बार महाराज वृंदावन में एक गोपी यमुना के तट पर महाराज ध्यान कर रही थी। क्या कर रही थी? ध्यान कर रही थी। नारद जी महाराज का आगमन हो गया। गोपी से जाकर के पूछते हैं नारद जी कि देवी जी आप किसका ध्यान कर रही हैं? अब गोपी क्या कहती है? प्रेम से बोली, राधे राधे। गोपी कहती है कि नारद जी मैं काऊ को ध्यान ना कर रही, मैं तो अपनी चिंता को समाधान कर रही। अब नारद जी महाराज विचार करने लगे कि वृंदावन में रह रही है, इस गोपी को और कौन सी चिंता सता रही है। नारद जी पूछने लगे, कौन सी चिंता देवी, कौन सी चिंता को आप समाधान कर रही है? गोपी कहती है, नारद जी मेरी कथा सुनिए आप। सुबह सुबह महाराज मैं गाय का दूध काटने के लिए गौशाला में गई थी, तब तक कन्हैया पीछे पीछे आ गए। कन्हैया आए पीछे पीछे कि भाभी सारा दूध निकाल देगी, मोको ना पिलाएगी तू। और महाराज कन्हैया के भाव में आकर के महाराज जितना वे दूध था महाराज पूरा नीचे फैल गया। और महाराज जैसे मेरी सास आई, मेरे को बहुत खरी खोटी सुनाने लगी कि तेरी मति मारी गई, तेरी बुद्धि तो खराब हो गई, सब दूध तेने नीचे गिरा दिया। फिर महाराज मैं वापिस आई गौशाला से, फिर मेरी सास ने मुझे कहा कि खाने के लिए कोई है नहीं, धान धान कूट करके लेके आ। पुराने जमाने में महाराज धान कूटते थे। गोपी धान कूटने लगी, तब तक महाराज कन्हैया वापिस आ गए। क्या भाभी नाराज हो गई मेरे से? महाराज मैं कन्हैया से बात करने लगी। बात करते 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 महाराज न जाने कितना समय निकल गया। फिर मेरी सास आई और मुझे बहुत खरी खोटी सुनाने लगी। मेरी सास ने कहा कि जा पानी पीने के लिए नहीं, यमुना जी तट जाकर के पानी लेकर के आ। और महाराज मैं जैसे ही यमुना जी के तट पर गई, यमुना जी का जल भरा लेकिन घड़ा बहुत भारी था। अब महाराज सिर पर रखा नहीं जाता है, तब तक कन्हैया आ गए पीछे पीछे। अरे भाभी नेक सारा कर दूं? हाँ लाला नेक सारा कर दो, मटका बहुत भारी है। और महाराज जैसे ही मैं मटका अपने सिर पर रखने लगी, तब तक महाराज वहां कोई कन्हैया नहीं थे, और मटका जैसे ऊंचाया कि दम से नीचे गिरा रहा मटका फूट गया। इसलिए नारद जी मैं अपनी चिंता का समाधान करूं, वे कन्हैया अपने हृदय में जो बैठा हुआ ना उसको मैं बाहर निकालना चाहती हूं। अब नारद जी कहने लगे, महाराज ये गोपी को क्या बात कहती है कि महाराज बड़े बड़े संत महात्मा योगेंद्र मुनिंद्र महाराज ध्यान लगाते समाधि लगाते कि उस ठाकुर जी की कुछ छवि दिख जाए, और ये गोपी जो महाराज ठाकुर जी को अपने हृदय से बाहर निकालना चाहती है। कहने का मतलब, महाराज आप कथा सुनेंगे उसे होगा क्या कि हरिम चित्तम समाश्रये, वे हरि वे ठाकुर वे गोविंद आकर के अपने हृदय में आकर के विराजमान हो जाएगा। प्रेम से बोले, राधे राधे। महाराज भागवत की बड़ी महिमा है,
न गंगा न काशी पुष्करम चन प्रयागकम सुख शास्त्र कथाया सफले न समतम लभे। आप काशी मत जाओ, गोदावरी मत जाओ, गंगा जी मत जाओ, लेकिन एक बार भगवान की दिव्य मंगल में कथा सुनो आप, तभी आपका कल्याण हो जाएगा। एक श्लोक आधा श्लोक नित्य कोई सुनता है पाठ करता है तो महाराज श्लोकार्थम श्लोक पादम वा नित्यम भागवदोद्भवम पठस्व सुख नैव यदिच्छी परमागति, उसकी गति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। महाराज महाराज देवता लोग आपस में विचार करते हैं, चर्चा करते हैं कि महाराज मनुष्य जीवन पाकर के भी जो कथा नहीं सुनता है, मनुष्य जीवन पाकर के भी जो जीव कथा नहीं सुनता है, तो देवता लोग उनको गाली देते हैं। कैसे गाली दे रहे हैं महाराज कि आज जन्म मात्रमपि ही न सठे न किंचित चित्तम विदाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्छरवत्त तेन नीतम मिथ्यास जन्म जननी जन दुख भाजा। अरे महाराज जो भगवान की गोविंद की माधव की कथा नहीं सुनता है वे चांडाल के समान, नीच के समान है, कुत्ते के समान है। महाराज अनेक अनेक देवता लोगों ने गाली दी है, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, ये महाराज ये शास्त्र कह रहा है, देवता लोग कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन पाकर के भी जो जीव भगवान से विमुख रहता है, भगवान की गोविंद की कथा नहीं सुनता है, उसका जीवन तो महाराज धिक्कार है। चांडाल वच्छ खरवत थे तनेता मिथ्या स जनमन जननी दुख भाजा तिक्तम नरम पशुस्वम भूविभाव रूपम मेवंति वेद वदंति देव समाज मुख्या। ये सब देव समाज कह रहे हैं महाराज उसको तो धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। भगवान तो बार बार जीव को बुलाते हैं लेकिन फिर भी जीव भगवान के पास में नहीं आता है। अब महाराज भागवत की महिमा बता रहे थे, तब तक के महाराज उस सभा में महाराज एक बड़ा आश्चर्य घट गया। स्वयं भक्ति ज्ञान और वैराग्य सहित प्रकट हो गई भक्ति मैया और ताता थैया कह करके महाराज नाचने लगी और गाने लगी कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी ताली की सेवा करते और बड़े भाव के साथ में गाते हुए गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
नाथ नारायण हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे हो, ओ तुम हमारे तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहे। बोली राधे राधे, और जोर से बोली राधे राधे। भक्ति महारानी महाराज ताता थिया करके महाराज नाचने लगे और गाने लगे। संसार में वे ही व्यक्ति धन्य है जिनके हृदय महाराज ठाकुर जी की भक्ति है। मेरे को किस कल भुवन मध्य निर्धन पिथन्या निबह सहृदय ऐसा श्री हरि भक्ति रेखा। हरि रप निज लोका सर्वथा तो विहाया, प्रवस्थ हृदय ऐसा भक्ति सूत्रोपनध्य। संसार में वही व्यक्ति धन्य है महाराज जिनके हृदय मेरे माधव की भक्ति है, मेरे गोविंद की भक्ति है। भगवान भी महाराज जगह ढूंढते हैं। परमात्मा क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं, प्रेम से बोली राधे राधे। भगवान भी खाली जगह ढूंढते हैं। भगवान क्या ढूंढते हैं, खाली जगह ढूंढते हैं, खाली प्लॉट ढूंढते हैं। जहां कहीं खाली प्लॉट मिले तो कब्जा करें। भगवान कहते हैं कि जहां कहीं मकान खाली है, प्लॉट की खाली है, तो वहां जाकर के कब्जा कर लें। महाराज पहली बुकिंग हाउस फुल है, पहले बुक है। ऐसे ही महाराज इस जीवन में ये पूरा हाउस फुल है, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से पूरा हाउस फुल। तो भगवान सोचते कि यहाँ तो बुकिंग है महाराज पूरी, ये हाउस फुल पड़ा हुआ है, पूरे मकान किसी किराए देवे हैं। यदि भगवान को, यदि ठाकुर जी को यदि बुलाना चाहते हैं, गोविंद को यदि बुलाना चाहते हैं, तो महाराज पहले इन काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को सबको निकालो, तब वे राधा माधव मेरे गोविंद इस हृदय में विराजमान होते हैं। हरि रति निज लोकम सर्वतातो विहाय, हरि रति निज लोकम सर्वतातो विहाय, प्रवस्थ हृदय तेसाम भक्ति सूत्रोपनध्य। महाराज मेरे ठाकुर जी उसी भक्ति सूत्र में ऐसे बंध जाते हैं, ऐसे बंध जाते हैं महाराज, उनको आना ही पड़ता है। वह कितना भी अपने आप को रोकने का प्रयास करे कि महाराज मैं रुक जाऊं, लेकिन भगवान नहीं रुक पाते हैं, क्योंकि सोडास गांव में कथा चल रही है तो मेरे को जाना पड़ेगा। भगवान को अपना वैकुंठ प्रिय नहीं लगता है महाराज। ना हम वसामि वैकुंठे, मेरे नारायण की भक्ति है।
वही संसार में महाराज जीवित धन्य है। भगवान क्या कहते हैं कि नाहम वसामि वैकुंठे, भगवान वैकुंठ में नहीं रहते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद है, जहां पर मेरा कीर्तन करते हैं, जहां मेरा सत्संग होता है, जहां मेरी कथा होती है, वहीं वहां आकर के विराजमान हो जाता हूं। इसलिए बोले प्रेम से राधे राधे। भगवान तो ढूंढते हैं लेकिन पहले महाराज मकान खाली नहीं है तो भगवान आ नहीं पाते हैं। इसलिए अपने इस मन मंदिर को महाराज निर्मल बनाओ, सुंदर बनाओ, सुंदर जैसे सजाते हो ना, जैसे आप सजते हो ना, धजते हो ना, ऐसे अपने मन को सजाओ। सजने में आप कितना टाइम लगा देते हो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी निकल जाए महाराज, कांच से दूर नहीं होते हैं आप। ऐसा लग रहा है कि अभी इधर सही नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है कि अभी करीब यहां सही नहीं लगी है। उसी प्रकार आपने यदि आत्मा का श्रृंगार सही कर दिया फिर आपको कभी कहीं भटकना नहीं पड़ेगा महाराज। आत्मा कब तक भटकती है कि जब तक जीव उस माधव की शरण में नहीं जाता है, उस गोविंद की शरण में नहीं जाता है तभी जीव भटकता है, और जब वह जीव परमात्मा की शरण में आ जाता है ना फिर उसको भटकना कभी नहीं पड़ता है। महाराज कथा का रस ऐसा होता है, अब महाराज ये चल करके आए हैं कथा सुनने के लिए, इतने दूर से गांव से आए, क्यों? उनको एक रस लगा हुआ है। महाराज कोई बीड़ी पीने वाले होते ना, जब तक उनको बीड़ी नहीं मिलती तो उनको क्या लगता है, हाँ हाँ, और कुछ चाय पीने वाला हो जब तक लगे आप चाय का टाइम हो गया अभी चाय आई नहीं। ऐसे ही सत्संग का यदि चस्का लग गया है ना महाराज, घर बार छूट गया पता ही नहीं। मेरा जी ने तो महाराज अपना पूरा वैभव छोड़ दिया है। मेरा जी ने क्या कहा था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीदी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दीदी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, चोर न लूटे, कर चेन कोई चोर
लूटे दिन दिन बढ़त बढ़ायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो सतगुरु सतगी ना सतगी नाव केवटिया सतगुरु सतगी नाव केवटिया सतगुरु सतगी नाव केवटिया सतगुरु भव सागर बोली राधे राधे महाराज। इसलिए जब तक हृदय में भगवान की भक्ति नहीं होगी तो भगवान आने वाले नहीं हैं। सनकादिक ऋषि नारद जी को यह बहुत सुंदर प्रसंग सुना रहे थे। नारद जी महाराज को विश्वास हो गया है, अब कहने लगे। नारद जी कहते हैं सनकादिक ऋषि से, महाराज भगवान की कथा सुनकर के कौन कौन से जीव पवित्र हो जाते हैं? भगवान की कथा सुनकर के कौन कौन से जीव पवित्र हो जाते हैं? के विशुद्धंत वदन्तु मैया सप्ताह यज्ञेन कथा मयेन। महाराज भगवान की कथा सुनकर के कौन कौन से जीव पवित्र हो जाते हैं? सनकादिक ऋषि कहते हैं महाराज, हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन पुनौ पुनन्तिते। सनकादिक ऋषि कहते हैं नारद जी, आप कहते हैं कि कथा सुनकर के कौन कौन से जीव पवित्र हो जाते हैं?
सनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि महाराज हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, महाराज आप नित्य कितने भी पाप कर रहे हैं वे भी यदि भगवान की कथा सुन लेते हैं तो भी वे महाराज पवित्र हो जाते हैं। और सदा दुराचार रता विमार्ग का, सदा आप दुराचार मार्ग पर चल रहे हैं, कुमार्ग पर चल रहे हैं महाराज, वे भी यदि जीव भगवान की कथा सुन लेता है तभी वह जीव पवित्र हो जाता है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः, बात बात में क्रोध करते हैं महाराज, क्रोध तो महाराज नाक पे बैठा रहता है। ऐसा व्यक्ति भी महाराज भगवान की कथा सुन लेते हैं तो सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्तिते, वे भी महाराज पवित्र हो जाता है। पांच प्रकार के महाराज महापापी होते हैं, यदि वे भी भगवान के मंगल में कथा सुन लेते हैं तो महाराज वे भी पवित्र हो जाते हैं। कि महाराज आप अपने मन से कह रहे हैं या कोई घटित घटना है, कोई कथा है? अरे महाराज मैं आपको क्या बताऊं, महाराज मरते जी तो मरते क्या, महाराज मरने के बाद में भी यदि कोई भूत प्रेत की योनि में भी चला गया है वे भी जीव यदि भगवान की कथा सुन लेता है तो महाराज वे भी पवित्र हो जाता है। सनकादिक ऋषि कहते हैं मैं आपको एक घटित कथा सुनाता हूं महाराज, कि तुंग भद्रा तटे पूर्वा अभुत्पत्तन मुहूर्तम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्सत्कर्म तत्परा। महाराज एक तुंग भद्रा नदी के तट पर महाराज आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे, बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानी थे। उनकी पत्नी का नाम महाराज धुंधुली देवी। महाराज के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं है, सब ठाकुर जी कृपा से महाराज है, लेकिन घर में कोई संतान पुत्र नहीं बेटा नहीं है। आत्मदेव जी अपने पड़ोसियों के यहाँ जाते हैं तो महाराज पड़ोसी क्या कहते हैं कि महाराज सुबह सुबह महाराज न पुत्ते का मुंह देख लिया है। आत्मदेव जी को बड़ी ग्लानि हो जाती है। आत्मदेव जी के घर पर महाराज एक गाय को पाल रखा है, गाय के भी महाराज कोई बछड़ा नहीं होता है। घर में तुलसी लगाते हैं, तुलसी मैया भी सूख जाती है। कोई भी वृक्ष लगाते हैं तो महाराज उनको कोई फल नहीं आता है। आत्मदेव जी बड़े दुखी हो गए, बड़े चिंतित हो गए, बड़े उदास हो गए। एक दिन तो महाराज अपने घर से ही निकल पड़े मरने के लिए। तुंग भद्रा नदी के तट पर महाराज आकर के आत्मदेव जी ने जल पान किया और जैसे ही मरने लगे तब तक एक महात्मा जी आ गए, संत आ गए। महात्मा जी कहने लगे कथम रोदसे विप्रत्वम काते चिंता बलियसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। प्रेम से बोली राधे राधे, अरे महाराज आप क्यों रो रहे हैं? कथम रोदसि विप्रत्वम काति चिंता बलसी, ऐसी कौन सी चिंता है आपको? वदत्वम सत्वरम यम, आप सत्य सत्य बताइए महाराज क्यों रो रहे हैं आप? रोने का कारण क्या है महाराज? आपके चेहरे पर तो महाराज ब्रह्म तेज छलका रहा है, छलक रहा है, फिर आप क्यों रो रहे हैं? रोने का कारण क्या है? लगता है कि भगवान के लिए रो रहे हैं, ठाकुर जी के लिए रो रहे हैं। पास में जाकर के पूछ रहे हैं महात्मा जी। ब्राह्मण कहने लगे कि महाराज मेरे घर में गौ माता है, उसके कोई बच्चा नहीं है महाराज। मेरे घर में तुलसी का विरवा है वह भी सूख जाता है, मैं वृक्ष लगाता हूं कोई फल नहीं आता है, इस जीवन को रखने से क्या फायदा है महाराज? दिग जीवनम प्रजाहीनम दिग गृहम प्रजा बिना, इसलिए धिक्कार है महाराज, इसलिए मैं मरने के लिए इस तुंग भद्रा नदी के तट पर आया हूं महाराज। महात्मा जी कहने लगे कि महाराज मरने के लिए आए आप? महात्मा जी को बड़ी हंसी आ गई। महात्मा जी कहने लगे
मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्यम त्यज संसार वासनम। महाराज विवेक को जागृत करिए, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, ये समय बला बलिष्ठ है, इस समय को विचार करके अपने कल्याण के मार्ग के बारे में सोचिए। बेटा बेटी से कभी कल्याण नहीं होता है, पुत्र से कभी कल्याण नहीं होता है। महाराज पितामह भीष्म के कितने पुत्र थे? हाँ, प्रेम से बोली राधे राधे, कोई पुत्र नहीं था महाराज भीष्म पितामह के, तो भी उनका कल्याण हो गया। मीरा जी के कितनी संतान थी? कोई नहीं थी, फिर भी उनका कल्याण हो गया। महाराज राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, लेकिन महाराज कपिल देवी का उन्होंने अपमान कर दिया तो महाराज सब राख हो गए। इसलिए बेटा बेटी का, बेटा बेटी से कभी कल्याण नहीं होता है, भगवान के भजन से सत्संग से कल्याण होता है। इसलिए महात्मा जी विवेक से काम लीजिए, तभी आपका कल्याण होगा। अब महाराज ब्राह्मण देवता कहते हैं आप कुछ भी करिए महाराज, आपको तो बेटा तो देना ही पड़ेगा। महात्मा जी कहने लगे ब्राह्मण देवता से, महाराज एक जन्म की तो मैं आपको क्या कहूं, आपकी जो माथा की रेखा है ना, वो 7 जन्म तक महाराज आपके भाग्य में कोई पुरुष पुत्र लिखा हुआ है भी नहीं है। अब महाराज बड़ी चिंता होने लगी महाराज ब्राह्मण देवता को कि 7 जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचा नहीं बचा। महाराज आप तो एक जन्म की बात कर रहे थे, मैंने तो भाग्य रेखा पढ़ ली आपकी, आपके तो 7 जन्म तक कोई पुत्र का योग ही नहीं है, बेटा बेटी का कोई योग ही नहीं बना हुआ है। अब तो महाराज ब्राह्मण देवता ने फिर अपना माथा पटकने लगे कि अब तो मैं मरूंगा और ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। महात्मा जी सोचने लगे कि महाराज आप तो खम खम बस गए यहां। और ब्राह्मण देवता को तो महाराज भूत चढ़ा हुआ बेटे का, महात्मा जी ने को दया आई और अपने झोले से एक फल निकाल करके दिया, क्योंकि महाराज जो बात दवा से ना हो सके वह संत दुआ से होती है। महात्मा जी को दया आई और अपने झोले से फल निकाला और ब्राह्मण देवता को दे दिया कि महाराज यह फल अपनी पत्नी को खिला देना तो महाराज आपके घर में बेटा हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। अरे महाराज कोई नियम हो तो भी बता दीजिए आप कि महाराज 1 महीने तक पूरे सोच और विचार से रहे तो आपके घर में सुंदर बालक का जन्म होगा। महात्मा जी फल लेकर के दौड़ पड़े अपने घर की ओर और अपनी पत्नी से कहते हैं अरे भाग्यवान सुनती हो, अरे भाग्यवान सुनती हो, क्या हुआ महाराज, मैं आपके लिए फल लेकर के आया हूं, इस फल को खा लो तो तुम्हारे बेटा हो जाएगा। अब महाराज इतना हल्ला क्यों कर रहे थे आप, फल तो लेकर के आए आप, ऐसा नहीं तो महाराज कोई कीमती हार लेकर के आए मेरे लिए। हाँ महाराज आप ऐसे कह रहे कि महाराज जैसे मैंने कभी कोई फल खाया ही नहीं हो। महात्मा जी ब्राह्मण देवता कहने लगे कि देवी जी ऐसा वैसा फल नहीं है, बहुत चमत्कारी फल है, इसे खा लो तुम्हारा बेटा हो जाएगा। देखो महाराज अभी तो मैंने स्नान नहीं किया, स्नान करूंगी पूजा पाठ करूंगी फिर मैं पालूंगी। ब्राह्मण देवता पड़ोस की यहां चले गए। कथा तो समझ में आ रही है ना आपको, प्रेम से बोले राधे राधे। ब्राह्मण देवता तो महाराज पड़ोस की यहां चले गए, कहने लगे कि अब देखो हमारे घर में भी किलकारियां घुसती हैं। और महाराज वह धुंधुली देवी अपने पड़ोसियों के पास में चली गई और उनसे बात करने लगी कि हमारे स्वामी जी फल लेकर के आए हैं और कहते हैं कि इस फल को खा लो तो तुम्हारे बेटा हो जाएगा। तब पड़ोसन क्या कहते हैं कि तुम्हारे बेटा नहीं है तो इसे खा लो तुम। अब धुंधुली क्या कहती है महाराज, फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणो दरवृद्धिदा। और महाराज जब इस फल को खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी और जब गर्भवती होंगी तो महाराज मेरा खाना पीना कम हो जाएगा,
खाना पीना कम हो जाएगा। जब खाना पीना कम हो जाएगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और कहीं चोरों ने आक्रमण कर दिया तो सब लोग भग जाएंगे, मैं कैसे भगूंगी। कि लाल ने पाल ने दुखम प्रसूयाता वर्तते, बेटा बेटी के महाराज लाल पाल में बड़ा दुख है। वंद्या वा विधवा नारी सुखे न चेत में मति, इसलिए महाराज मैं तो वंद्या या विधवा ही रह जाऊंगी, लेकिन मैं बेटा बेटी अपने नहीं होने दूंगी। पड़ोसन क्या कहती है, ऐसा करना तू कि अपनी ननंद को बुला लेना, अपनी ननंद को बुला लेना, क्योंकि जब घर में कोई बच्चा होता है तो ननंद को कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। ऐसा करना कि 4-5 महीने पहले बुला करके उनसे बहुत सारा काम कराना, और जो हो बधाई के नाम पर देख करके विदा करना। बहन तू नहीं जानती है, मेरी ननंद बहुत चोटी है, और मेरे घर का जो सामान है ना वह सब लेकर के चली जाएगी। इतने कुतर्क किए महाराज, तत् फलम नहीं विभक्षितम, फल नहीं खाया, इतने कुतर्क किए। पड़ोसी ने कहने लगे कि जो तेरे मन में आवे सो कर। बात यह भी सुनी है बहन मैंने कि सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के घर में 12 वर्ष तक रहे, यदि ये एक दो वर्ष रह गया तो तदामे मरणम भवेत, मेरा तो मरना हो जाएगा। महाराज इतना कुतर्क किया उस देवी ने, इतना कुतर्क किया, उस फल को नहीं खाया। पड़ोस ने समझा करके चली गई। दूसरे दिन उनकी बहन चली आई, और बहन तो यही चाहती थी कि महाराज इनके घर में कोई बेटा ना हो, कि मेरे तो महाराज बेटों की जेड़ लगी हुई है, हाँ लाइन लगी हुई है। महाराज बहन के घर में महाराज धन की कमी थी, और उनकी बहन के महाराज धन तो बहुत है लेकिन कोई खाने वाला नहीं है। बहन से कहने लगी धुंधली कि बहन क्या बताऊं, तुम्हारे जीजाजी एक फल लेकर के आए हैं, और कहते इस फल को खा लो तो तुम्हारा बेटा हो जाएगा। धुंधली की बहन क्या कहती है, इन महात्माओं के चक्कर में कभी मत पड़ना, फल खाने से कभी बेटा होता है। देख यदि तेरे फल की परीक्षा लेनी है ना, तेरी गाय बंदी है, गैया को खिला देते। बहन सही कहा, और देख मैं अभी गर्भवती हूं, और जब मेरा बेटा होगा तुझे मैं चुपचाप ला करके तुझे दे दूंगी, तो अपना ही समझ लेना, और धन दे देना तो मैं अपने पति का मुख बंद कर दूंगी। धुंधली कहते कि बहन हो तो तेरी जैसी, एक चुटकी में एक पूरी चिंता को तूने अंधेर कर दिया। महाराज वे जो फल था वे फल को महाराज गाय को खिला दिया, धुंधली ने वे फल नहीं खाया। और महाराज कुछ समय व्यतीत हुआ है तो महाराज उस गाय ने सुंदर बालक को जन्म दिया है, गाय ने सुंदर बालक को जन्म दिया है, तो महाराज नाम पड़ा है गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय हो। और महाराज कुछ समय और निकला है तो वह बहन अपना बेटा लेकर के आई है और धुंधलू को दे दिया है, तो आत्मदेव जी आज खुशी के महाराज उछल पड़े हैं कि महाराज जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं। महाराज पहले तो कोई एक बेटा नहीं था, आज मेरे घर में दो दो बेटा हो गए हैं। बहुत सुंदर महाराज उन्होंने जन्मोत्सव मनाया, अब नामकरण कराने लगे आत्मदेव जी कि अपने बेटे का नामकरण कराते हैं। तब धुंधली ने क्या कहा कि महाराज 9 महीने मैंने दुख भोगा है, दुख देखा है, जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही उनका नाम होगा। मेरा नाम है धुंधली तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी, जैसा नाम वैसा ही काम, इसलिए सोच विचार करके अपने बच्चों का नाम रखना चाहिए। प्रेम से बोली राधे 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 राधे। अब महाराज धीरे 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 बड़े होने लगे बच्चे, तो दोनों ने ख्याति प्राप्त की है, एक तो महाराज विख्यात हुआ है और दूसरा हुआ है मुख्यात। कृत काले न तौ जातो तरणो तनया विभो
गोकर्ण पंडितो ज्ञाने धुंधकारी महाखल। महाराज धुंधकारी बड़ा दुष्ट निकला, गोकर्ण जी महाराज बड़े विद्वान निकले। अब महाराज धुंधकारी जाता है अपने पिता से, कहता है कि पिताजी धन कहाँ रखा है बताओ। धुंधकारी महाराज छोटे छोटे बच्चों को कुएं में डाल देता है। जाता है गांव में खेलने के लिए तो महाराज छोटे छोटे बच्चों को कुएं में डाल देगा। पूरे गांव वाले परेशान हो गए थे, आते शिकायत करते आत्मदेव जी से कि आपके बालक ने तुम्हारा छोटे छोटे बच्चों को कुएं में डाल दिया, सब मर गए। अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी आपके पास में धन कितना रखा हुआ है। महाराज धीरे 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 अपने पूरे धन को बर्बाद करने लगा, अपना घर को, घर के धन को महाराज धुंधकारी। एक दिन तो महाराज आत्मदेव जी को मारने के लिए भी आ गया है धुंधकारी। अब आत्मदेव जी को आज बड़ी गलानी हुई है कि जिस बेटे के लिए मैंने इतने इतने दुख भोगे हैं, इतना इतना मैंने कष्ट देखा है, आज वही बेटा मुझे मार रहा है। आत्मदेव जी इतने रोते हैं महाराज। तब तक गोकर्ण जी महाराज आ गए और अपने पिताजी से समझाने लगे कि पिताजी संसार में कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता है, ये सब संसारिक नाते तो महाराज शरीर के हैं। यदि आपको सच्चा सुख चाहिए, सच्चा ज्ञान चाहिए तो भगवान के शरण में जाओ आप। महाराज गोकर्ण जी अपने पिताजी को दो श्लोक में मार्मिक उपदेश देते हैं। देहे स्तिमा सरुदिरे भीमतिम त्यजत्वं जाया सुता दिसुता विमता विमुंचा पश्यानि समझगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य रग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। देह के अंदर कभी ममता नहीं होनी चाहिए, देह के अंदर कभी ममता नहीं होनी चाहिए और परिवार में कभी अहंता नहीं होनी चाहिए। अहंता और ममता ये दोनों बांधने की चीजें हैं। पिताजी ये जो शरीर है ना, ये हार्ड मांस रुधिर का एक पिंड है और आप इसमें इतना प्रेम, इतना नाता, इतना स्नेह, सबको छोड़ो और जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो महाराज। वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा, वैराग्य धारण करो और भगवान का भजन करो, तभी आपका कल्याण होगा पिताजी। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णां अन्यस्त दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्वा। पिताजी इस देह का कोई भरोसा नहीं है, सदा आप धर्म का आश्रय लेकर के अपना जीवन का कल्याण करें। ये काया तो महाराज एक दिन चले जाने वाली है, इस काया का महाराज कोई भरोसा नहीं है। प्रेम से बोले राधे राधे। अरे कंचन वाली काया ये सेलानी में तो पावना, अरे एक दिन आवाला फिर नहीं आवाला, एक दिन जावाला फिर नहीं आवाला। एक दिन जावाला अच्छा नहीं आवाला। देखिए भगवान के भजन पर नाचने में कोई मतलब शर्म नहीं करना है ना। आप डीजे पे तो महाराज बड़े ठुमके लगा रहे थे है ना।
अरे कंचन वाली काया ये सेनानी ने तो पावना कंचन वाली काया ये सेनानी ने तो पावना इतने जावाला फिर नहीं आवाला हाँ एक दिन Thank you.
से बोले राधे राधे, और जोर से बोली राधे राधे। किसी का नहीं है। जब आप यहां से जाते हो तो आपके कोई साथ में जाता है क्या? हाँ, कोई गाड़ी लेकर के छोड़ा है ठेठ माठाने? हाँ, ना छोड़ना है पाचा जावा। तब आपको सब पता है कि महाराज कोई अपना नहीं है। आज ग्रजान वैराग्य मत धारण कर लीजो, ग्रजान बिरणी ने वो मत कीजो तुम्हारी कौन है। नित्र रोटी का भी फोड़ा पड़ेगा महाराज। प्रेम से बोल राधे राधे। संसारिक जो व्यवहार है उसको निभाओ, लेकिन रहना कैसे है? वे किचड़ में क्या रहता है? हाँ, किचड़ में क्या रहता है? हाँ, कीड़े मकोड़ा किचड़ में। महाराज कमल बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है। कितनी भी गंदगी हो बहुत अच्छा खेलता है महाराज। ऐसे ही संसार में रहो। हाँ, कितने भी अंदर गहरे हैं लेकिन ऊपर एकदम अपना मन परमात्मा में, भगवान में लगा रहे। और आप ग्रजान केवल आइए, आप घरा लेने के थूमारी को ना मथारो को ना तो भाई यो काम मात्र कि कथा अच्छे सुने महाराज कबराड़िया का। अच्छे वैराग्य दे दो क्या? बस बस मैं तो जाऊं हरिद्वार, उठी माला फेरू भगवान ने। मतलब कि संसार में अपना आत्मा की पहचान करो, आत्मा को जागृत करो, ये सब नाते यही रह जाएंगे। कोई किसी का नहीं है महाराज, अपना कर्म ही अपने साथ में जाता है। कितना भी कमाओ, हाँ, बस सब यही रहने वाला है। इसलिए पिताजी अपने मन को उस माधव में लगाओ, मेरे गोविंद में लगाओ, तभी आपका कल्याण होगा। बाकी कल्याण होने वाला नहीं है पिताजी। पिताजी रातों रात निकले जंगल में जाकर के आत्मदेव जी ने और दशमस्कंद का पाठ किया। हमारा दशमस्कंद का पाठ करके अपने जीवन को ठाकुर जी के चरण में लगा दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आत्मदेव जी महाराज जंगल में जाकर के अपना कल्याण कर लिया। अब धुंधकारी अपनी माँ के पास में आया और अपनी माँ से कहने लगा कि माँ बता धन कहाँ रखा है, कि माँ बता धन कहाँ रखा है। महाराज धीरे 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 घर में जितने भी बर्तन थे खाने के वे भी सब बेच करके आ गया धुंधकारी। माँ कहने लगी कि बेटा अब घर में धन कुछ भी नहीं बचा है, कि बता नहीं तो तुझे भी मारूंगा। जब मारने के लिए कहा धुंधली को, तब पास में ही कुआ था, धुंधली जा कुएं में जाकर गिर गई और मर गई। गोकर्ण जी महाराज मन में सोचने लगे कि अब तो नंबर मेरा है, इसलिए अपने राम जी तो निकल जाते हैं तीर्थ यात्रा में, और गोकर्ण जी निकल गए हैं तीर्थ यात्रा में महाराज जी। अब धुंधकारी महाराज घर में अकेला हो गया। अकेला होने पर महाराज आदमी स्वतंत्र हो जाता है। घर में पांच वेश्यां लेकर के आ गया, वेश्यों को। धन लाता है, चोरी करता है, डकैती करता है, धन ला करके उन वेश्यों को देने लगा। धीरे 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 महाराज एक दिन वेश्यों ने मन में विचार किया कि नित्य चोरी करता है, डकैती डालता है, आए दिन चोरी करके धन लेकर के आता है, किसी ना किसी दिन तो महाराज राजा इनको अवश्य पकड़ेंगे। इसे तो महाराज जेल में डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन इनके साथ में हमें भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। चलो अच्छा, धन भी अच्छा अपने पास में पर्याप्त हो गया है, इसे भी ठिकाने लगाओ और उम्र भर मौज करो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। महाराज पांचों वेश्याओं ने महाराज धन लेकर के आया था धुंधकारी, धन का बंटवारा किया। क्या किया? बंटवारा किया। बंटवारा करने के बाद में महाराज रात्रि का समय था,
रस्सी से बांधा, रस्सी पे बांधने कर महाराज जलते हुए अंगारे उनके मुंह में महाराज ठूस ठूस करके उसके भर कर मार दिया। और पांचों वेश्याएं महाराज धन लेकर के चली गई। गोकर्ण जी को जब पता चला है कि पिताजी पधार गए, माताजी पधार गए, भैया जी पधार गए हैं, तो महाराज सबके निमित्त उन्होंने श्राद्ध किया, पिंडदान किया महाराज गया जी में। अब श्राद्ध पक्ष भी आने वाला है। यदि महाराज पितृ को यदि प्रसन्न करना है, यदि घर में पितृ हैं परेशान ज्यादा करते हैं, तो उनका महाराज कल्याण के लिए एक ही चीज होती है, भागवत का मूल पाठ, मूल पारायण। ये पंडित जी बैठे बैठे मूल पाठ कर रहे, पारायण कर रहे हैं। यदि घर में कोई पितृ दोष हो तो महाराज कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई उपचार नहीं है भागवत के अतिरिक्त। गोकर्ण जी महाराज भी अपने सभी के लिए महाराज कल्याण के लिए उन्होंने गया जी ने श्राद्ध किया, पिंडदान किया, फिर पुनः अपनी जन्मभूमि लौट करके आए। कहीं पे भी महाराज विदेश कहीं पे भी चले जाएंगे, लेकिन आना तो अपनी जन्मभूमि पे ही पड़ता है। जन्मभूमि महाराज स्वर्ग से भी बढ़कर जन्मभूमि है। हाँ, तब महाराज पुनः लौट करके आए गोकर्ण जी महाराज। रात्रि का समय था, प्रेम से बोले राधे राधे। रात्रि के समय महाराज गोकर्ण जी पधारे, अपने घर पर विश्राम करने लगे। थोड़ी सी जगह को महाराज सही व्यवस्थित करके साफ करके, तब महाराज एक भेड़ का बच्चा आया। वही भेड़ का बच्चा महाराज भैंसा बन गया। गोकर्ण जी महाराज को महाराज डराने लगा। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, भैया तुम कौन हो? लेकिन वे कुछ बोल नहीं पाता है, कुछ बोल नहीं पाता है। इशारा मात्र करता है महाराज। गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित करके महाराज जैसे जल को फेंका, तो महाराज वे बोलने लगा। अहम भ्राता त्वदीयोस्मिन् दुंदकारीति नामत स्वकिमेव दोषेण ब्रह्मत्वं नास्ति मया। अरे भैया, मैं तुम्हारा ही छोटा भाई दुंदकारी हूं, अपने कुकर्मों के कारण आज मैं प्रेत बना पड़ा हूं। मैंने ऐसे भयंकर कुकर्म किए, इसलिए मैं प्रेत बन गया। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे कि भैया, तुम्हारे निमित्त मैंने गया जी ने श्राद्ध किया था। क्या किया था? गया जी ने श्राद्ध किया था कि गया श्राद्ध सतेना पिर मुक्ति में न भविष्यति। भैया आप चाहे गया जी में एक नहीं, सो सो हजार हजार जाकर के भी श्राद्ध करोगे, तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं होगी, क्योंकि मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, मैं प्रथम श्रेणी का प्रेत हूं, मैं एक नंबर का प्रेत हूं मैं। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि भैया, अभी तो ये रात्रि का समय है, तो यहां से चला जा, कल मैं ब्राह्मणों से परामर्श लेकर के फिर मैं मुक्ति के लिए कोई उपाय करूंगा। रात्रि भर महाराज गोकर्ण जी विचार करने लगे कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो, मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो। प्रेम से बोले राधे राधे। प्रातः काल हुआ, गोकर्ण जी महाराज ब्राह्मणों के पास जाकर कहने लगे कि महाराज आपके पास यदि कोई साधन हो, कोई उपाय हो, तो आप बताओ कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो। महाराज जब सही तरह से कोई बता नहीं पाए, तो भगवान सूर्य को साक्षी मान करके कहने लगे कि भगवान सूर्य, भगवान आप पूरे संसार के साक्षी देवता है। भगवान सूर्य साक्षी देवता है, सूर्य और दीपक दोनों साक्षी देवता है, तो आप ही बताइए कि मेरी भाई की मुक्ति कैसे हो, मेरा भाई कैसे मुक्त हो। भगवान सूर्य भगवान क्या कहने लगे कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचनम कुरु। अरे महाराज गोकर्ण जी अपने भाई को सात दिन तक भगवान के दिव्य मंगल में मधुर कथा सुनाओ तो मुक्त हो जाएंगे। महाराज गोकर्ण जी महाराज और पूरे गांव वाले ने मिलकर के
श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान का आयोजन किया, सुंदर व्यास पीठ लगाई और गोकर्ण जी महाराज भगवान के मंगलमय कथा का वाचन करने लगे। अब प्रेत का आह्वान किया, किनका आह्वान किया? प्रेत का आह्वान किया महाराज। लेकिन प्रेत का जो शरीर होता है वह वायु प्रदान होता है, वह कि टिकता नहीं है। तो महाराज एक सात गाट का एक बांस गाड़ दिया, सात गाट का एक बांस गाड़ा। तो महाराज दुंदुकारी आकर के उसमें बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई तो महाराज पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरे दिन की कथा हुई तो तीसरी ग्रंथि फट गई। ऐसे करते करते महाराज जैसे सात दिन पूर्ण हुए तो महाराज वह पूरा सात बांस का जो गांठ का जो बांस था वह पूरा फट गया और उसमें महाराज एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की, दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडित, पीतवा सघन श्यामो मुकुटे कुंडलान्वित। दुंदुकरी क्या कहने लगा महाराज कि धान्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशनी, सत्ता होपि तथा धन्य लोक फल प्रद। अरे महाराज ये भागवत की कथा धन्य है, धन्य है, मेरे जैसे प्रथम श्रेणी प्रेत को भी इसने तार दिया है। बोले भागवत भगवान की। महाराज धुंधकार के लिए सुंदर दिव्य विमान आया भगवान के धाम से। चलो धुंधकारी इस विमान में बैठो। अब पूरे गांव वाले आ गए कि महाराज भगवान के धाम से एक ही विमान क्यों आया। हम सब ने कथा सुनी है, सोडास गांव में बैठ करके सब कथा सुन रहे हैं, तो भगवान के धाम से एक ही विमान क्यों आया महाराज? विमान तो सभी के लिए आना चाहिए। कौन कौन विमान में बैठना चाहते हैं? अभी भगवान बुला रहे सबको। दो तीन, हाँ रावणों थोड़ा हाथ कम है क्या महाराज? अत्र तो घणो जीणो है, घणा काम करना अत्र तक। हाँ प्रेम से बोले राधे राधे। भगवान के धाम नहीं चलना चाहते हैं आप? चलना चाहते हैं तो जोर से नहीं बोल रहे कि प्रेम से बोले राधे राधे। दुंदुकारी के लिए महाराज एक विमान आया तो पूरे गांव वाले कहने लगे कि महाराज हम सब लोग सात दिन तक बैठ करके कथा सुनी तो भगवान के धाम से एक ही विमान क्यों आया? पूरे गांव वालों के लिए आना चाहिए महाराज। तब गोकर्ण जी क्या कहते हैं महाराज? श्रवणस्य विभेदिना फल भेदोत्र संस्थितः, श्रवणं तु कृतं मन्ने तथा मननं कृतं। अरे महाराज सात दिन की कथा आप सबने सुनी है, लेकिन महाराज श्रोता तीन प्रकार के होते हैं, श्रोता सरोता और एक श्रोता। सरोता किसे कहते हैं? सरोता एक सुपारी काटने का आता है, सरोता जो महाराज कटाक्ष करता है। प्रेम से बोले राधे राधे। सरोता काटने का काम कि महाराज कथा तो बहुत अच्छी चल रही है, पांडाल भी बहुत अच्छा बनाया है, व्यवस्था भी बहुत अच्छी की है, सब कुछ अच्छा किया है, लेकिन थोड़ी बहुत धूप आ रही है महाराज। लोग काटने का काम करते, उसका होता है नाम होता है सरोता, काटने का काम। एक होते हैं महाराज सोता, महाराज आपकी कथा बहुत अच्छी लग रही है। अरे महाराज माताओं को तो बड़ी व्यवस्था करके है ठाकुर जी ने, महाराज जब भी नींद आती तो घूंघट काट लेती है कि महाराज चार घंटे इतनी अच्छी नींद आई, इतनी अच्छी नींद आई कि महाराज दो दो गोली लेते हैं, गोली लेने पर भी जो नींद नहीं आती है वह नींद कथा में बहुत अच्छी आती है,
वे होते हैं सोता, एक होते हैं महाराज श्रोता, जो अपना मन लगा करके ठाकुर जी की कथा सुने कि भगवान की कथा कहीं छूट ना जाए, कि भगवान की कथा कहीं निकल ना जाए। यदि ये प्रसंग छूट गया तो ये महाराज ये प्रसंग वापस श्रवण करने को मिलेगा नहीं। महाराज वे होते हैं महाराज श्रोता, अपने मन को स्थिर करके महाराज भगवान की कथा सुनते हैं, ठाकुर जी में अपना मन लगाते हैं। महाराज उनके ही लिए विमान आता है, बाकी दोनों के लिए विमान नहीं आता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब महाराज पूरे गांव वाले कहने लगे कि महाराज कुछ भी हो जाए हम सब जाना चाहते हैं, वैकुंठ जाना चाहते हैं भगवान के विमान में बैठ करके। तो महाराज पुनः आयोजन किया श्रावण मास में गोखण जी ने कि महाराज पहले तो महाराज छूट गए थे, अब ध्यान रखना आप अपना मन लगा कर कथा सुननी। आप यदि मन लगा कर कथा नहीं सुनोगे तो महाराज फिर यहीं रह जाओगे आप। अब तो महाराज गांव वाले पूरे तन और मन से कथा सुनते हैं। तो महाराज जितने गांव वाले थे उतने ही विमान प्रकट हो गए भगवान के धाम से। बोली द्वारकाधीश भगवान की। अब महाराज पूरे गांव में विमान ही विमान विमान ही विमान हो गए। जिस प्रकार भगवान राघवेंद्र सरकार अयोध्या वालों को लेकर गए, उसी प्रकार ये गोखण जी महाराज भी भगवान के भक्तों को गांव वालों को लेकर गए हैं कि अयोध्या वासिना पूर्वा यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नेता गोलोकम योगि दुर्लभा। महाराज गोलोक वैकुंठ लेकर के गए हैं गोकर्ण जी महाराज, सबका कल्याण कराया है और सब गाते जा रहे हैं, भगवान का नाम लेते जा रहे हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे राधे। गोकर्ण जी महाराज अपने पूरे गांव वालों को महाराज लेकर के गए हैं। अब महाराज साप्ताहिक विधिक श्रवण का विधान बताया, नियम बताया है महाराज कि महाराज भगवान की कथा कैसे सुननी चाहिए, कहां सुननी चाहिए, किस जगह आपके लिए उत्तम है। महाराज तीर्थे वापि वने वापि गृहे वापि श्रवणम मतम। आप तीर्थ में भी सुन सकते हैं, गृह भी सुन सकते हैं, वन में भी सुन सकते हैं, तब भी आपके भगवान भागवत भगवान आपका कल्याण करती है। संसार सागरी मग्नम
दीनम्मा करुणा निधि कर्म मोह गृह तांगम मामुद्धर भवार्णवात्। ठाकुर जी जीव का कल्याण करते हैं, भगवान को पुकारना चाहिए, ठाकुर जी को पुकारना चाहिए कि हे माधव, हे गोविंद, हे दामोदर, हम इस भव सागर में डूब रहे हैं, आप आकर के हमारा कल्याण करें। तो भगवान आते हैं और जीव का कल्याण करते हैं। महाराज ये जो साक्षात ये भगवान की मूर्ति है, दिव्य मूर्ति है, श्रीमद भागवताख्योयम् प्रत्यक्ष कृत कृष्ण एव हि, ये महाराज साक्षात मेरे गोविंद का स्वरूप है, ऐसा मान करके आप कथा सुनेंगे तब महाराज आपका कल्याण होगा। ये शब्दमयी वांग्मयी मूर्ति है महाराज। अब महाराज ने नियम बताया है कि महाराज भागवत जब कथा कराते हैं तो उसमें महाराज नियम क्या है, उसका विधान नियम क्या है कि भोजनम तु वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम नोपवासम वरम प्रोक्तम कथा विघ्नो करो यथे। महाराज 7 दिन तक कुछ नहीं खाना चाहिए फिर कथा सुननी चाहिए। महाराज जब 7 दिन तक कुछ खाएंगे नहीं तो हमारा तो ना हो जाएगा गोविंदाय नमो नमः। तब महाराज कहने लगे सनकादिक ऋषि कि महाराज घी पीकर के रहना चाहिए। अब महाराज ज्यादा घी पी जाएंगे तो महाराज डॉक्टर साहब ने तो मना कर रखा कि ज्यादा घी खाना नहीं चाहिए। तब कहने लगे कि भोजनम तु वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम, महाराज आप एक समय भोजन करके महाराज कथा सुन सकते हैं, और यदि ऐसा नहीं होता है क्यों मना किया महाराज कि कथा विघ्न करो यदि, क्योंकि कथा में विघ्न आ जाता है, ज्यादा भोजन करते तो क्या होता आलस आ जाता, नींद आती है, इसलिए उन्होंने मना किया है। महाराज आपको यदि कोई आलस नहीं आता, कोई तकलीफ नहीं होती तो महाराज पूरे दिन भोजन करके फिर महाराज कथा सुनो, पूरे दिन चकाचक झिमो आतो लेकिन भगवान की कथा सुनो। ये कथा का विधान नियम है कि महाराज कितना खर्चा करना चाहिए, इसका क्या क्या आयोजन में होता है, कि महाराज आप अपनी बेटी के विवाह में कितना खर्चा करते हैं, कभी किसी को पूछते हैं क्या कि आपने इतना पैसा खर्च किया है। उसी प्रकार भगवान के दिव्य जब जन्म उत्सव आता है, विवाह उत्सव आता है, बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए है ठाकुर जी की कृपा से। तब तक महाराज प्रहलाद जी महाराज आ गए, बड़े बड़े ऋषि महर्षि आकर के महाराज गायन करने लगे, बड़े बड़े श्लोकों का, सुखदेव जी महाराज श्लोकों का गायन करते हैं। प्रहलादस्ताल धारी तरल गति तया चोद्व कांस धारी वीणा धारी स्वर ऋषि सुकसल तया धाग करता जनो भूत इंद्रो वादि मृदंगा जय जय सुकरा कीर्ते तनेते कुमारा यत्राग्रि भाव वक्ता सरस जनया व्यास पुत्रो बभूव। प्रहलाद जी महाराज महाराज ताली बजा रहे हैं, उद्धव जी महाराज कांस बजा रहे हैं, नारद जी महाराज वीणा बजाते हैं और अर्जुन बड़े अलाप भर रहे हैं, महाराज इंद्र मृदंग बजा रहे हैं।